हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मैं ललित यादव आज अपनी एम लक्ष्मीकांत की एक और क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीबीआई के ऊपर, जिसका टाइटल आपने देख ही लिया होगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में थे कि टाइटल क्या डाल दिया, क्योंकि आमतौर पर सभी को सीबीआई नाम सुनने की आदत है, उसकी फुल फॉर्म सुनने की आदत नहीं है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब फुल फॉर्म देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलें सीबीआई तो हर कोई जान जाता है, क्योंकि टीवी सीरियल मूवीज में सीबीआई के काम को आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि सीबीआई का गठन कैसे हुआ, क्या क्या कार्य वो करती है, किस तरीके से सीबीआई में एक समय के बाद दो अलग अलग विघटन करके एनआईए उससे बनाया गया, उसके कार्यों को सीमित किया गया, और उसका योगदान क्या है सुशासन लाने के लिए, गुड गवर्नेंस में सीबीआई का क्या योगदान है। तो चलिए हाउ एकदम जोश के साथ लाइक शेयर करते आइएगा, हाउस द जोश। और आज बहुत सारी क्लासेस हैं, फिर से मैं एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मेरे जितने भी नए दोस्त हैं, इस क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद 3 बजे लोकपाल एवं लोकायुक्त वाली क्लास होगी। फिर से बता रहा हूं, 3 बजे लोकपाल एवं लोकायुक्त की क्लास होगी। रात में 9 बजे भारत पाकिस्तान संबंधों का सेकंड पार्ट होगा, जो कल हम क्लास कर रहे थे, जहां पर वो छूट गई थी वहीं से ही कंटिन्यू हम आगे करेंगे भारत पाकिस्तान के संबंधों को, रात को 9 बजे। तो एंड तक, रात भर तक आप आज रहेंगे हमारे साथ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ललित यादव है, मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से, बीएड सीटेट क्वालिफाई है, एमफिल पीएचडी 6 बार नेट, ये सब मेरा क्वालिफाई है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ज़रूर मेरे को फॉलो करना, ललित यादव की पाठशाला के नाम से मैं आपको मिलूंगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी यूज़ करते हो, ललित यादव की पाठशाला के नाम से मैं आपको हर जगह अवेलेबल रहूँगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हैं, सब पीडीएफ मैं डाल चुका हूँ। नई क्लास जो है हफ्ते भर की पीडीएफ एक साथ हफ्ते के एंड में मैं डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम याद कर लीजिए, उसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। ठीक है, चलिए, आप में से जो भी दोस्त जो डिटेल में पढ़ना चाहता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहता है, एग्जाम में अच्छा रैंक लाना चाहता है, और चाहते कि उसको इंडिया के सारे टॉप टीचर से पढ़ने को मिले, अपनी मर्जी से वो चॉइस कर सके किसी भी टीचर को, अपनी पसंद से किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर इंडिया के सारे टॉप टीचर्स एक ही जगह पर एक साथ पढ़ाते हैं। मैं भी यहां पर पढ़ाता हूं। अभी अनअकैडमी पर कई सारे ऑफर भी चल रहे हैं आपके लिए, कि अगर आप 28 अप्रैल से पहले अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी से रिगार्डिंग 1 साल 2 साल या 3 साल का कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको 20 किताबें आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करती हैं यूपीएससी सीएससी का, वो सब की हार्ड कॉपी आपको घर पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक और भी है, अगर आप 28 अप्रैल से पहले ये एलवाई लाइव कोड के साथ ज्वाइन करते हैं कोर्स, तो इसमें आपको 4 मंथ की एक्स्ट्रा क्लास भी मिल रही है। फिर इवन चाहे आप 1 मंथ ईयर का कोर्स लें, 2 ईयर का लें या 2 ईयर का लें, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा आपको, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, फिर अपना गोल सेलेक्ट करना है, यूपीएससी सीएससी जीएससी या ऑप्शनल, जो भी आप करना चाहते हैं। 2 टाइप के कोर्स आपको यहां पर मिलेंगे अनअकैडमी पर, एक प्लस कोर्स और एक आइकॉनिक कोर्स। प्लस और आइकॉनिक में मैक्सिमम चीजें सेम वही हैं, आइकॉनिक में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको आंसर राइटिंग कराता है, और आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बेस पर ही मेंस में अच्छे नंबर आएंगे। अगर रेगुलर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी तो मेंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपका रैंक अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके के कोर्स है, इसमें मेरी तरफ से आपको एक हेल्प हो सकती है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं और मैं आपको डिस्काउंट दिला सकता हूं। 10% डिस्काउंट के लिए ये एलवाई लाइव कोड अप्लाई कीजिएगा, उससे आपको फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल की ये फीस रहेगी। सेम आइकॉनिक में भी एलवाई लाइव कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको प्रॉपर 10% डिस्काउंट भी होगा, और पर्सनली हम गाइड भी करेंगे। मेन चीज गाइडेंस है, उसके बिना बहुत दिक्कत होगी आगे। ऐसे ही ऑप्शनल के लिए भी आप एलवाई लाइव कोड अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल 2 साल और 3 साल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट हो जाएगा। कोई भी ऑप्शनल लेना चाहे, कोई भी कोर्स लेना चाहे, हर जगह पर ये एलवाई लाइव अप्लीकेबल होगा। कॉम्बो कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स होता है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो कोर्स में क्या होता है कि आपको
ऑप्शनल और जीएस एक साथ मिल जाते हैं, आइकॉनिक का भी कॉम्बो है प्लस का भी कॉम्बो है, और दोनों में अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिलता है। कभी भी कोर्स ज्वाइन करें तो 2 साल से कम मत करना, कोशिश करें कि 2 साल का ही करें। 2 साल का कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा बढ़िया कोर्स होता है, ठीक है, उसमें आपका ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो जाता है रिविजन के साथ। इसमें भी आप इस LYLIVE इस कोड का प्रयोग करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, और आपको बाकी पर्सनल गाइडेंस तो हमसे मिलेगी ही, प्लस का कॉम्बो कोर्स भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं इस रेफरल कोड का यूज करके, तो यहां पर भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज गाइडेंस है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, जो भी LYLIVE कोड का प्रयोग करेंगे एग्जाम के पास होने तक एंड तक आपको प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, यही इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस होना जरूरी है। तो टीचर के साथ डायरेक्ट संपर्क होगा तो फायदा है, यहां पर आपका संपर्क डायरेक्ट मेरे से होगा, आप पहले भी मेरे से बात करके ट्राई कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में देख सकते हैं। इसके साथ जो स्टूडेंट अभी एक साथ फीस नहीं जमा कर सकते या उनके पास क्रेडिट कार्ड या बजाज का कार्ड नहीं है EMI पर पे करने के लिए, तो अनअकैडमी से आपको लोन भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लोन का फॉर्म है, उसको भर दीजिए। उस लोन के फॉर्म पर कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ब्याज नहीं लगता, कोई हिडन चार्ज नहीं है, 2 घंटे में लोन अप्रूव हो जाता है। केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है, अनअकैडमी की टीम खुद कॉल कर लेगी आपको उस फॉर्म को भरने पर। उसमें आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, मेरा नाम यानी ललित यादव, और आपको मेरा रेफरल कोड यानी कि LYLIVE ये आपको अप्लाई करके जमा कर देना है, अनअकैडमी खुद कॉल कर लेगी। और जब वो कॉल करे तो उनको बोलना ललित सर की गाइडेंस में हमें पढ़ना है, ललित सर के कोड से लेना है, तो आपको लोन दे देगी और आपको प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। नए बैच 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 से, ठीक है, 28 अप्रैल से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों, आप तीनों ही क्लासेस मिलेंगी, आप किसी भी टीचर की कोई भी क्लास कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, हर संडे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, LYLIVE कोड के साथ जीत सकते हैं प्राइज। ये मेरे ऑप्शनल कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर 3, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तीनों में पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, आपको बाइलिंगुअल क्लासेस जो है ये मिलती हैं। जीएस का ऑलमोस्ट 60% एरिया यहां से आपका कवर हो जाएगा, बाकी क्लासेस सभी टीचर्स की मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि केवल मेरी मिलेगी, जितने भी टीचर्स हैं सबकी क्लास मिलेगी। उसके लिए आपको ये कोड अप्लाई करना पड़ेगा LYLIVE, जब भी कोर्स ज्वाइन करें इस कोड को अप्लाई करके लीजिएगा, 10% डिस्काउंट और पर्सनल गाइडेंस दोनों ही मिलेगी। चलिए तो CBI के बारे में स्टार्ट करते हैं। जोश कैसा भाई, हाउस द जोश? CBI के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो CBI के बारे में आपने पुस्तकों के अलावा टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, उनमें बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत ज्यादा देखा होगा उसके बारे में और उसके काम के बारे में भी देखा होगा। लेकिन आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि CBI को लेकर के सही तरीके से पूरी प्रॉपर उनको जानकारी नहीं है। मैक्सिमम को लगता है कि CBI का काम अलग अलग तरीके की जासूसी करना भी है, गुप्तचरी करना भी है ना, CBI आतंकवादी हमलों का भी वो करती है। कईयों को लगता है कि CBI विदेशों में जाकर के भी जासूसी करके आती है ना, जासूस का मतलब CBI नाम लगा लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ एजेंसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एजेंसीज हैं, वो क्या क्या कार्य करती हैं, फिर उसके बाद हम CBI के ऊपर चर्चा करेंगे। CBI के ऊपर जाने से पहले हम भारत की एजेंसीज के बारे में बात करते हैं। एजेंसीज जो हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो 2 एजेंसीज होती हैं। एक सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं IB, ठीक है, दूसरा जिसको हम बोलते हैं CBI। इन दोनों के आधार पर आपको चीजें समझना है। IB जो है ये भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है, ठीक है, खुफिया एजेंसी है जिसका प्रमुख कार्य क्या है, अरे जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि देश के अंदर जितने भी तरीके की देश के विरोध की गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी करना। ये तो ये कैमरा हमारी बीगल है ना, ये कैमरा हिला गया यार, एक मिनट दीजिए मेरे को। एक मिनट दीजिए, मैं एक बार इसको सेट कर देता हूं कैमरे को।
हमारी चुटकी है, बीगल है हमारा, वो बीच बीच में आकर के ऐसी हरकतें करती रहती है, काफी दिक्कत करते है ना। देश की आंतरिक जासूसी वाला जो काम करने की संस्था है वो आईबी होती है। अब 1967 में क्या होता है, आईबी का विभाजन हो जाता है और इससे एक संस्था बनती है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं RAW, आप इसको आमतौर पर बोलते हैं। सीधा सीधा भी अगर देखें तो हम उसको RAW भी लिख सकते हैं, इसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप हिंदी में रा कहते हैं। अब इसका प्रमुख काम था बाहरी खुफिया एजेंसी है ये भारत की, यानी कि देश के बाहर जो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है और हमारे देश के विरुद्ध कोई साजिश रची जा रही है, उन सब का पर्दाफाश करना, भारत के दुश्मनों का पता करना, भारत के दुश्मनों की जासूसी करना, उनको कमजोर करना उन्हीं के देश में, वो रो का काम होता है, राज जो संस्था है वो करती है। आपने राजी फिल्म देखी होगी, राजी फिल्म में जो आलिया भट्ट का किरदार है वो रा का ही किरदार होता है, रो इसको बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये दो खुफिया एजेंसी है, एक आंतरिक खुफिया एजेंसी, एक बाहरी खुफिया एजेंसी। ऐसे ही भारत के अंदर और कई सारे मामले भी होते हैं इनके अलावा, जासूसी और गुप्तचरी के अलावा। जैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को किससे खतरा होता है, भ्रष्टाचार से, गबन से, मनी लॉन्ड्रिंग से, उससे भारत को जितना बड़ा खतरा होता है उससे ज्यादा खतरा भारत को किसी अन्य किसी भी चीज से नहीं होता। ठीक है, तो शुरुआत में क्या था, जब CBI बना था 1963 की मैं बात कर रहा हूं, जब 1963 की बात करें, जब CBI का गठन हुआ था उस समय CBI भ्रष्टाचार और आतंकवाद इन दोनों ही मामलों को देखती थी। ऐसे में समय समय पर कालांतर में यह देखने में आया 1980-90 के दशक में, जब भारत में सिलसिलेवार बम धमाके हुए और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लाखों लोग बम विस्फोट में मारे गए, तो ये समझ में आया कि यार ये CBI नाम की संस्था है, ये इसके ऊपर कार्यभार बहुत अधिक हो गया है, तो इसके कामों को बांटने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती चली जा रही थी 1990 में, 1993 की बम विस्फोट आपको याद होंगे, फिर संसद पर हमला हुआ, फिर ताज होटल पर हमला हुआ, फिर और भी कई जगह पर बम विस्फोट हुए, दिल्ली में बम विस्फोट हुए, मद्रास कैफे आपने नाम सुना होगा, हर जगह पर बम विस्फोट होने लगे। तो ये समझ में आया कि CBI के काम को थोड़ा सा अलग करने की जरूरत है। बम विस्फोट के मामले हैं, आतंकवाद के जो मामले हैं, स्मगलिंग के मामले जो हैं, ऐसे मामलों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मामले, इनमें CBI की बजाय एक अलग संस्था बनाई जाए, इसलिए इससे अलग करके 2009 के अंदर NIA की स्थापना की गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। CBI का अब मुख्य कारण काम क्या है, आर्थिक अपराध, इसको हम बोलेंगे आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराधों की जांच करना अब इसका प्रमुख काम है। और NIA का प्रमुख काम हो गया आतंकवाद, आतंकवाद से निपटना, ये इसका प्रमुख कार्य हो गया। तो इन चार प्रमुख एजेंसियों में हम भारत को बांट सकते हैं, IB और RAW जो आंतरिक और बाहरी खुफिया एजेंसी है, CBI जो आर्थिक मामलों को देखती है, आर्थिक अपराधों की जांच पड़ताल करती है, NIA जो आतंकवाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग उसको देखती है। इससे आपको एक चीज समझ में अपने अंदर बनानी है कि CBI जो है कोई जासूसी वाली वो नहीं है, वो उस तरीके से जासूसी नहीं करेगी कि किसी दुश्मन के बारे में जाकर के जासूसी करके पता करके ला रही है। CBI भारत की एक आंतरिक एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों से निपटती है, खास करके भ्रष्टाचार, ठीक है, गबन, जो देश के आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। अब इसको समझते हैं आगे कि CBI का स्थापना कैसे हुई, क्या क्या कार्य पद्धति है, कौन कौन इसके कार्मिक होते हैं, उसको थोड़ा सा विस्तार से अब समझने की कोशिश करते हैं। आपने फिल्में देखी होंगी और फिल्मों में आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो रेड मारने जाते हैं। अब रेड मारने के लिए जाते हैं मतलब एकदम से धावा बोलते हैं ना किसी के घर पर, तो अलग अलग टाइप के लोग रेड मारते हैं। एक तो आपने पुलिस को वर्दी में देखा होगा कि वर्दी पहन करके, टोपी लगा करके,
है ना, पुलिस की जीप में पी पो करते करते एकदम से गाड़ी आती है चर, टायर की आवाज के साथ, ब्रेक के साथ रुकती है, और फिर तुरंत भाग करके सारे पुलिस वाले निकल करके घर की घेराबंदी करते हैं, और उस घर के अंदर घुस करके वारंट दिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारे खिलाफ सर्च वारंट है, चलो इस घर की तलाशी लो, कि तुमने किसी अपराधी को छुपा रखा है या आतंकवादी को छुपा रखा है या अपराध हथियार है वगैरह वगैरह। तो वो एक सामान्य कानून प्रशासन के संदर्भ में जांच होती है। लेकिन कई सारी फिल्मों में, कई सारे टीवी सीरियल्स में आपने ऐसी भी जांच देखी होगी जिसमें वर्दी नहीं पहने होते लोग। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी रेड, रेड नाम की मूवी है, अजय देवगन की मूवी है। तो ऐसे ही उन चीजों में आपको देखने से यह समझ में आता है कि कोई सिविल कोई ड्रेस नहीं है उनकी, जिसको इन यूनिफॉर्म कहते हैं, पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है उसका यूज ना करते, वो सिविलियन के तौर पर वहां पर जाते, एक सामान्य कपड़े पहने हुए आम इंसान की तरह, और फिर वो वहां पर जाकर के जांच करते हैं। अजय देवगन की उस फिल्म से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये वो टीम होती है जो जाकर के ये देखती है, खाते चेक करती है, उनके सारे के सारे ये कागज वगैरह चेक करती है कि भैया कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहां पैसा छुपा रखा है। हर्षल जो हर्षद मेहता वाली जो आपने स्कैम 1992 सीरीज देखी होगी, तो उसमें भी इस तरीके की जांच पड़ताल जो की जाती है वो काम करती है सीबीआई। जब छुपा हुआ धन निकालना होता है, अगर एक बार सीबीआई की नजर पड़ गई ना दोस्त, आपके एक एक पैसे को निकाल ढूंढेगी। फिर आपने चाहे पाताल में जाकर के छुपा दिया हो, एक पैसा नहीं बचेगा, इतनी तेज नजर होती है, इतनी पैनी नजर उसकी होती है। तो बेसिकली पैसे से संबंधित आर्थिक अपराध जो जिसमें पैसे के लेन देन से संबंधित है, कर चोरी है, टैक्स चोरी है ना, भ्रष्टाचार है, गबन है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है, ऐसे मामलों की जांच सीबीआई करती है। 1962 के अंदर, आपको पता है 1962 से 64 के अंदर एक समिति बनाई जाती है जिसको संथानम समिति बोला जाता है, ठीक है, के संथानम समिति बोला जाता है। उस समय भारत में बड़ी तेज गति से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। जब हम आजाद हुए तो आजादी के बाद भारत के प्रशासन में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हमारे जो नौकरशाह थे, हमारे जो सरकारी अधिकारी थे, वो गबन करने में माहिर हो गए थे, खूब मोटा पैसा वो कमाने लग गए थे, नेता लोग भी काफी पैसा मारने लग गए थे। तो ऐसे में महसूस हुआ कि भारत के प्रशासन को सुधारा जाए, और उसको सुधारने के लिए ये देखा जाए कि समस्याएं क्या है। तो के संथानम समिति बनाई गई भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए, उसको सुलझाने के लिए। और के संथानम समिति की रिपोर्ट पर ही आपने देखा कि पहले सीवीसी का गठन हुआ 1963 में, 1963 में सीवीसी बनाया गया एक कार्यपालक आदेश के माध्यम से। ऐसे ही के संथानम समिति और एक और समिति बनाई गई जिसका वर्णन इस पुस्तक में नहीं है, जिसको डीपी कोहली समिति बोलते हैं, ठीक है, जिसको डीपी कोहली समिति बोलते हैं, यह भी बनाई गई। और इन्होंने ये महसूस किया कि भाई भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, और भारत में उस भ्रष्टाचार को रोकने का तरीका यही है कि उसके लिए एक अलग से संस्था बना दी जाए जो केवल उस भ्रष्टाचार के मामलों को देखे। उस समय भारत में आतंकवाद का मामला इतना अधिक नहीं था, आतंकवाद नहीं था उस समय, तो हम दूसरी परेशानी से जूझ रहे थे। आतंकवाद भारत में 1980 के दशक में आया। तो इन दोनों समितियों की मिलीजुली सिफारिशों के आधार पर भारत में सीबीआई का गठन किया गया, और सीबीआई के लिए 1946 के जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून जो था, उस एस्टेब्लिशमेंट जो था, उससे प्रेरणा ली गई। एक अक्षय कुमार की मूवी है स्पेशल 26 न करके, स्पेशल 26, स्पेशल 26 करके उसको देखना, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आजादी से पहले, वो आजादी से पहले की चीज है, उसमें आजादी के बाद का नहीं, जो हम आजाद हुए उसके हाल फिलहाल की बात थी, वो सीबीआई के गठन होने से पहले की वो मूवी है। उसमें जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस फ्रॉड तरीके से काम करते हैं, जिस संस्था का नाम लेकर के काम करते हैं, वही संस्था बाद में उसी का ही नाम परिवर्तन होकर के एक तरीके से दिल्ली सीबीआई जो है वो बनाया जाता है। उसी से ही पावर सीबीआई को ली जाती है, उसी से ही शक्तियां जो है सीबीआई को मिलती हैं। उसको भी देख लेना आप, स्पेशल 26, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीबीआई का गठन किया जाता है 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा, ठीक है। उस समय यह महसूस किया गया कि इसके लिए
तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। अगर संसदीय कार्यवाही करेंगे तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए एक्ट बनाने, अधिनियम बनाने में, और उस समय की परिस्थितियां भी थोड़ी सी जटिल परिस्थितियां थी। देखिए 1963 के अंदर कई सारी संस्थाएं बनी, उसके लिए ना तो संविधान में संशोधन किया गया, ना ही उसमें संसद में कोई एक्ट पारित किया गया। उसका कारण यह था कि 1962 में आपातकाल चल रहा था। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो भारत की बड़ी हार हुई और आपातकाल भारत में लागू था। जब आपातकाल लागू होता है तो उस समय सामान्य तौर पर संसद का अधिवेशन नहीं होता है, ठीक है, उनका कार्यकाल, उनकी बैठक नहीं होती है। तो ऐसे में एक तो मजबूरी यह है कि आप एक्ट पारित ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्ट तो पारित तभी माना जाएगा, अधिनियम तभी माना जाएगा जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों उसको स्वीकृति दे। तो एक तो वो परिस्थितियां थी, दूसरा ये ऐसी संस्थाएं थी जिनके ऊपर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी, तुरंत काम करने की जरूरत थी। तो 1963 में भारत की सरकार ने CVC और CBI इन दोनों का ही गठन एक कार्यपालकीय आदेश के माध्यम से कर दिया। CBI के लिए गृह मंत्रालय ने एक संकल्प प्रस्तुत किया और CVC के लिए केंद्र की सरकार ने एक कार्यपालक आदेश प्रस्तुत किया, उसके आधार पर इनका गठन कर दिया गया और CBI की स्थापना जो है यहां पर हो गई, ठीक है। CBI जो है इसकी स्थापना आप देखते हैं। तो एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि कैसे CBI अस्तित्व में आई और किस तरीके से इसको संसदीय या स्टैट्यूटरी दर्जा इसको नहीं दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इसको नहीं दिया गया, जबकि ये संस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि इसको दिया जाने की आवश्यकता थी कि संसदीय प्राधिकार या एक्ट, कानून, विधिक स्टेटस इसको दिए जाने की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय की परिस्थितियों के कारण इसको ना तो संवैधानिक दर्जा मिला, ना ही स्टैट्यूटरी संविधिक दर्जा मिला, दोनों ही दर्जे नहीं मिले। बाद में क्या होता है, इसे कार्मिक मंत्रालय जो है, जब आप IAS बनोगे तो भी आप कार्मिक मंत्रालय के अधीन ही रहोगे, आपकी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो सब कार्मिक मंत्रालय के अधीन ही चलेगी, जो IAS ऑफिसर होते हैं। तो कार्मिक मंत्रालय को इसको स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। तो अब जो CBI का स्टेटस है, वो स्टेटस समझिए कि वो एक संबद्ध कार्यालय के रूप में उसका स्टेटस है, ठीक है, एक संबद्ध कार्यालय के रूप में, अटैच ऑफिस जिसको बोलते हैं, अटैच्ड ऑफिस, यानी कार्मिक मंत्रालय का उससे जुड़ा हुआ एक कार्यालय, एक ऑफिस, उसके रूप में ये कार्य करती है। अब यहां पर आपने एक चीज देखी, गृह मंत्रालय ने ही संकल्प क्यों पारित किया, क्यों संकल्प इसके लिए दिया CBI के लिए, इसका रीजन समझिए। गृह मंत्रालय जो है वो किससे जुड़ा होता है, भारत का गृह मंत्रालय जुड़ा होता है भारत की आंतरिक सुरक्षा से, ठीक है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से। तो आंतरिक सुरक्षा का सारा दायित्व जो है वो गृह मंत्रालय के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। अब ऐसे में जो भ्रष्टाचार होता है, गबन होता है, पैसे की, टैक्स की चोरी की जाती है, तो उससे नुकसान क्या भारत की बाहरी सुरक्षा को है कि आंतरिक सुरक्षा को है? इंटरनल सिक्योरिटी को ही है, क्योंकि उस पैसे का मिसयूज किया जाता है, गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग स्मगलिंग में, हथियारों की फंडिंग में कर लिया जाता है, जिससे भारत में ही गलत गतिविधियां होती हैं। दूसरा, भारत का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर आप पैसा चोरी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब भारत के विकास को प्रभावित कर रहे हैं, पॉलिसीज ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, है ना, काला धन इकट्ठा हो जाएगा, विदेशों में भेजोगे तो भारत को ही नुकसान है, विदेशों का फायदा है। तो कुल मिलाकर के भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ये मामला था, इसलिए गृह मंत्रालय ने इस मामले में जो है संकल्प लेकर गया है। बाहरी सुरक्षा से संबंधित कोई मामला होता तो रक्षा मंत्रालय जो है हमारा वो उसके लेकर के संकल्प लेकर के आता। CBI भारत के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई एक तरीके की एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कार्य करती है। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि निगरानी के मामले देखता था का भी CBI में विलय कर दिया गया और CBI की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग ने की थी। संथानम आयोग और DP कोहली, इन दोनों ही समितियों ने की थी। DP कोहली समिति का इसमें दिया नहीं गया है और वही इसके पहले निदेशक भी थे CBI के, जो उन्होंने इसके लिए काम किया। चलिए अब आगे देखते हैं। CBI केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। मुख्य अनुसंधान एजेंसी का मतलब है कि जांच पड़ताल करती है,
खोजबीन करती है, चेक करती है, एक एक चीज को खोद खोद करके निकाल लेने का काम ये करती है। आपने जैसे मैंने सीबीसी आपको पढ़ाया था, तो इसको समझिए कि जो सीबीसी है, ठीक है, और जो सीबीआई है, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या अंतर है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो सीबीसी और सीबीआई को एक ही मान लेते हैं, उनको लगता है कि सीबीसी भी यही काम करता है और सीबीआई भी यही काम करता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, सीबीसी जो है केवल केवल निगरानी रखने का काम करती है, केवल निगरानी का, निगरानी यानी कि जिसको हम बोलते हैं सतर्कता, सतर्कता का कार्य करती है, ठीक है। सीबीआई क्या करती है, ये जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करती है, और ना केवल जांच पड़ताल करती है बल्कि आर्थिक दंड भी लगा सकती है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि सीबीसी जो है वो अपराध होने से, अपराध होने से पहले पहले एवं अपराध के दौरान नजर रखने का कार्य करती है, और नजर रख करके जहां पर भी गड़बड़ी दिखती है उसके बाद ये क्या करती है, शिकायत करती है, ठीक है, कंप्लेन करती है या सिफारिश करती है, ठीक है, सिफारिश करती है किसको, सीबीआई को, और फिर सीबीआई क्या करती है, अपराध होने के बाद उसकी जांच करती है। सीबीआई क्या करती है, अपराध होने के बाद उसके कारणों का पता और उसकी जांच पड़ताल खोजबीन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सीबीसी की क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था कि आप सभी लोग स्कूल या कॉलेज में जरूर पढ़े हैं, और स्कूल कॉलेज में आपने मॉनिटर की पोस्ट जरूर देखी होगी। मॉनिटर की पोस्ट, जब टीचर नहीं होता तो मॉनिटर उस समय काम देखता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी क्लास का कोई मॉनिटर है और आपकी टीचर कोई अर्जेंट कुछ काम करने चली गई, बाहर चली गई, हो सकता है पानी पीने चले गए, या हो सकता है कि कुछ और प्रिंसिपल ने बुला लिया हो, या हो सकता है कि कुछ जरूरी काम आ गया हो, तो ऐसे में वो थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर जाते हैं, तो मॉनिटर को बोल करके जाते हैं कि मॉनिटर पूरी क्लास पर नजर रखना और देखना कोई बातचीत ना करे, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, शांति भंग ना हो, कक्षा का पर्यावरण सही रहे, बेसिकली उसका आइडिया ये होता है। तो मॉनिटर आता है ना, आप अपने स्कूल कॉलेज में जो मॉनिटर देखे होंगे वो तो अपने टसन वाले मॉनिटर देखे होंगे, जब मॉनिटर अपने उसमें ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता था वो अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता था, उसको लगता था वही है बाहुबली, जो भी है वो सब कुछ वही है, ठीक है, तो वो भी एक वो थी। अब ऐसे में जब मॉनिटर जो काम करता था वो क्या करता था, वो आपको सजा नहीं दे सकता था, वो आपको मार नहीं सकता था, आपको पीट नहीं सकता था, वो केवल ये बोल सकता था कि भाई देखो तुम बात मत करो आपस में, तुम आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, या ज्यादा से ज्यादा क्या करता था, तुम लोगों की बातों को या जो शरारत कर रहा होता उसका नाम लिख देता था व्हाइट बोर्ड पर कि ये देखो मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, मैं मैडम को शिकायत करूंगा। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे उसकी इस धमकी को सुनकर के, उसकी बात को सुनकर के आपस में बात नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, शोर शराबा नहीं मचाते थे, शांति से बैठे रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके ऊपर एक ऐसा व्यक्ति है जो उनको देख रहा है, उनके ऊपर निगाह रख रहा है। तो ये तो हो गया सतर्कता का काम, सीबीसी ये मॉनिटर वाला काम करती है बस। और जो फिर जब टीचर, क्लास टीचर वापस आती है क्लास में, और फिर वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर नाम लिखे हुए देखती है कि ये देखो रमलू ने, और ये देखो शैतान सिंह ने, और ये देखो भिखू ने, ये तीन चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो वो मॉनिटर आते सबसे पहले उसको शिकायत करेगा, मैम मैम ये देखो शैतान सिंह ना आपस में लड़ रहे थे दोनों, भाई कंप्लेन करता है ना, लिखाएगा ब्लैक बोर्ड पर, देखो मैम मैंने नाम भी लिख दिया। फिर मैम आकर के पूछेगी, फिर मैम उसके बाद क्या करती है, जांच पड़ताल करती है, बाकी बच्चों से भी पूछेगी भाई क्या कर रहे थे, क्यों शोर कर रहे थे, उन बच्चों से भी पूछेगी कि आपस में क्यों लड़ रहे थे, मॉनिटर से भी पूछेगी, जांच पड़ताल के बाद निष्कर्ष निकालेगी, अगर वो दोषी पाए गए तो हो सकता है मुर्गा बना दिया जाए, हो सकता है डंडे पड़े, हो सकता है क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाए, है ना, या हो सकता है कि होमवर्क में एक्स्ट्रा कुछ दे दिया जाए, तो सजा भी दे देगी। तो ये जो काम किया टीचर ने वो काम करती है सीबीआई, और जो मॉनिटर ने काम किया वो काम करता है सीबीसी। ये दो अंतर है, इसको आपको समझना है, ठीक है। मॉनिटर ने काम किया वो सीबीआई का, सीबीसी का काम हो गया, टीचर ने काम किया वो सीबीआई का काम हो गया, जांच पड़ताल करना और जांच पड़ताल करके दोषी सिद्ध करना और दोषी को सजा दिलवाना, ये काम जो है ये यहां पर है, ठीक है। चलिए,
ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, क्लियर कर देते हैं। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है, तो इसको समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही, उसी की ही एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है। इसीलिए आप देखोगे उसके ऊपर कंप्लीट पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार का ही होता है, ठीक है। ये क्या है, केंद्र सरकार का ही होता है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं शासन व्यवस्था की, तो इसमें आपको दो तीन चीजें समझनी है। क्या चीज समझनी है? एक तो सबसे पहली चीज कि गुड गवर्नेंस आए, इसका मतलब गुड गवर्नेंस है, ठीक है। इसका मतलब गुड गवर्नेंस है, सुशासन जिसको बोलते हैं। और गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि भाई आपके जो जिसका जो काम है वो अपने कर्तव्य को ढंग से निभाए, नागरिकों को बेहतर सेवाएं दे। और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने वाली संस्थाएं कौन होती हैं? नौकरशाही है भाई। ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, आप आईएएस बनने जा रहे हो वो अलग बात है कि आप पैसा पावर देख रहे हैं इसलिए आईएएस बनना चाह रहे हो, ठीक है, पैसा और पावर को देखते हुए आईएएस बनना चाहते हो। लेकिन मेन काम तो आपका ये है कि आप नागरिकों को सेवाएं प्रदान करोगे, सुरक्षा प्रदान करोगे, उनकी मदद करोगे, नागरिकों के ही तो नौकर हैं। तो गुड गवर्नेंस का मतलब है कि नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं सेवाएं सही समय पर और बहुत गुणवत्ता के साथ उनको मिले। और वो तब मिलेंगी जब कार्मिक अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, निस्वार्थ भाव से काम करते होंगे, किसी भी तरीके से गलत कार्य नहीं करते होंगे, भ्रष्टाचार नहीं करें, गबन नहीं करें, आपको जनता को परेशान ना करें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शासन के अंदर सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी। और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी अपने आप में नहीं आती है, उसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। सीबीआई नाम की संस्था है इसलिए कार्मिक सतर्क रहते हैं। जितने भी ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब लोग सीबीआई से बड़ा डरते हैं। तो बहुत सारे लोग तो रिस्क ही नहीं लेते गलत काम करने का सीबीआई के डर के मारे। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम है, आपको आईएएस का एग्जाम लिखने के लिए दे दिया जाए और उसमें आपको बता दिया जाए कि भैया कैमरा भी नहीं लगा आपको देखने के लिए, ना ही कोई इनविजिलेटर आएगा आपको चेक करने के लिए, ना ही आपकी चेकिंग होगी क्लासरूम के अंदर जाने के समय कि तुम क्या ले जा रहे हो क्या नहीं ले जा रहे। हम बस तुम्हें पेपर देंगे, तुम कॉपी देंगे, तुम उस पर आंसर लिखो और एग्जाम देकर के आ जाओ। ऐसी परिस्थिति अगर होगी 99% लिख करके ले लो, 99% स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे अच्छे से एग्जाम करने के लिए। कोई पर्ची ले जाएगा, कोई हो सकता मोबाइल ले जाए, कोई हो सकता किताब ही उठा ले जाए, बहुत सारी चीजें कर ले। लेकिन क्योंकि वहां पर कैमरा लगा रहता है, टीचर होता है, जांच होती है और पकड़े जाने पर आपको डिबार कर दिया जाता है, जिंदगी भर का कलंक लग जाता है, इसलिए डर के मारे अधिकतर लोग चीटिंग नहीं करते। कुछ लोग अच्छे भी है, ऐसे भी हैं जो सच में ही नहीं करते, वो ईमानदार हैं, वो हमेशा ईमानदार रहेंगे, वो उनके अंदर अंदरूनी ईमानदारी है कि वो कुछ भी परिस्थिति हो जाए, दुनिया कुछ भी करे, हम तो अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत से काम करेंगे। लेकिन 99% ऐसे नहीं होते हैं, अधिकतर उसी तरीके से। मौका मिलेगा तो पता चलेगा, अभी आप कितने भी दावे कर लो लेकिन जब आपको मौका मिलेगा तो सबको दिखता है, इंसान की प्रवृत्ति उसमें आती है। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर जांच के थे, आपको सजा का भी प्रावधान था, इसलिए नहीं करते ज्यादातर, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी कार्मिक है, सीबीआई जो है इसी तरीके से सत्यनिष्ठा और ईमानदारी लाती है। क्योंकि सीबीआई है तो कार्मिकों को, ऑफिसर्स को, मंत्रियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, उनको यह पता है कि भैया गलत काम करेंगे, गलत काम का गलत नतीजा निकलेगा। क्यों? क्योंकि सीबीआई है, सीबीआई आकर के छापा मार देगी और सीबीआई ने छापा मार दिया तो बुरा हाल कर देगी। अजय देवगन की जो मूवी है रेड नाम की, जो रेड जो वो मारते हैं वहां पर जाकर के, उसमें आपने देखा कि कैसे उस मंत्री के घर पर रेड मारी जाती है और उस मंत्री के घर के एक एक कोने को, दीवार, सोफे, छत, जमीन, कुछ भी नहीं छोड़ते, सबको खोद डालते हैं, सबको तोड़ डालते हैं और वहां से जैसे धन की बरसात होती है। तो सीबीआई इसी तरीके से काम करती है। तो इसका भय ही काफी है, इसका एक बहुत भयंकर भय होता है लोगों के अंदर। हालांकि कुछ लोग नहीं डरते लेकिन मैक्सिमम लोग छोटी मोटी चीजों में
निपट जाते हैं। तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी लाने में बड़ी भूमिका अदा करती है सीबीआई, गुड गवर्नेंस का टूल है। कई बार आपसे सुशासन के ऊपर प्रश्न आ जाए कि भारत के अंदर गुड गवर्नेंस या भारत के अंदर सुशासन लाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के ऊपर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए, तो उसमें इन संस्थाओं का ब्यौरा हमेशा देना। आमतौर पर अधिकतर लोग क्या लिखते हैं सुशासन के संदर्भ में, गुड गवर्नेंस के संदर्भ में, पारदर्शिता, ई प्रशासन, ठीक है, और प्रक्रियाओं को तेज करना, सरकार की भूमिका थोड़ी कम करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके ऊपर ही खो करके रह जाते हैं। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण पहलू जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को भूल जाते हैं कि सीबीआई भी है, सीवीसी भी है, प्रवर्तन निदेशालय भी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वो भी है, इन तरीके की संस्थाओं का वर्णन ही नहीं करते। इसलिए आपका आंसर जो है ना वो एक तरफा हो जाता है। एग्जामिनर ये देख रहा होता है कि क्या आप चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं 10 जगह से, क्या आप हर काम की चीजों को, सभी पहलुओं को, सभी आयामों को एक आंसर में लिख सकते हैं, वो ये चीज देखता है। तो इसका यूज आपको वहां पर भी करना है, ठीक है, गुड गवर्नेंस से संबंधित कोई भी वो होगा तो उसमें भी आपको वो करिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करती है। अब यहां पर लिखा है केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल की भी सहायता करती है, इसको एक शब्द में समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल, ये दोनों, इन दोनों की जांच पुलिस है, ये जांच पुलिस जो है वो सीबीआई होती है। सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल, वो कोई भी मामला होता है जिसमें उनको लगता है कि गड़बड़ी है तो वो सीबीआई को सौंपते हैं और सीबीआई फिर उसकी जांच करता है। मुख्य रूप से इन्वेस्टिगेशन करने का काम सीबीआई का रहता है। तो जांच पुलिस के रूप में इसको दर्जा दिया जाता है, लोकपाल का और सीबीसी का। कई बार सवाल आ जाता है, एक बार स्टेट पीसीएस का एक एग्जाम क्वेश्चन पेपर में देख रहा था प्रीवियस ईयर्स का, उसमें सवाल आ रखा था कि लोकपाल की जांच पुलिस कौन है, और उसमें विकल्प दे रखे राज्य पुलिस, दूसरा विकल्प दे रखा आईबी, तीसरा विकल्प दे रखा पैरामिलिट्री फोर्स, और चौथा विकल्प दे रखा था सीबीआई। अब जांच पुलिस लिख दिया, ये वर्ड लिख दिया तो सबको लगा ये तो पुलिस होगी, वर्दी वाली राज्य पुलिस होगी, वही काम करती होगी। लेकिन सीबीआई जो है वो जांच पुलिस का काम करती है, सतर्कता आयोग और लोकपाल का। नाम ही देख लो ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच, तो जांच पड़ताल का काम यही करती है। एक ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। एक तो कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, भ्रष्टाचार की रोकथाम, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल की सहायता, ये काम ये करती है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लेना। एनआईए एवं सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर होता है। इसमें जैसे बैकग्राउंड मैंने दिया था, पहले एनआईए नाम की कोई संस्था थी ही नहीं भारत में, पहले सीबीआई होती थी। 1963 में सीबीआई जब बनी, और 1980 के दशक में जब भारत में आतंकवाद बढ़ने लगा, आतंकवाद क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाना शुरू किया, सबसे पहले पंजाब में, पंजाब में स्मगलिंग शुरू की, वहां पर नशा फैलाना शुरू किया, वहां पर हथियार भेजने शुरू किए, वहां पर आतंकवादियों को बढ़ावा देना शुरू किया, उड़ता पंजाब, इसके लिए आप देख लीजिएगा शाहिद कपूर की, और वही परिस्थितियां थी। तो उस समय भारत में महसूस हुआ कि आतंकवाद एक अलग समस्या, इससे भी निपटना चाहिए। तो जो सीबीआई होती थी, सीबीआई को ही आतंकवाद से निपटने का काम उस समय सौंप दिया गया था कि भाई आतंकवाद से, स्मगलिंग से, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, अपहरण से, फिरौती मांगने वाले केसेस हैं, उन सब से सीबीआई ही निपटेगी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जब आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती चली गई और सीबीआई उन आतंकवादी घटनाओं को रोक नहीं पाई और ना ही उनके बारे में जांच ढंग से नहीं कर पाई, तो ये समझ में आया कि सीबीआई जो है ना उसके ऊपर कार्यभार बहुत हो गया। एक ही संस्था बिचारे को कितना काम दोगे भाई, भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको ही निपटा ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत तो भ्रष्टाचारियों का गढ़ है। जब भ्रष्टाचार का सूचकांक आता है ना भारत का, तो उसमें देखा करो भ्रष्टाचार के मामले में भारत बहुत आगे रहता है, तो उन्हीं को ही निपट ले। अब जब वो समस्याएं तो निपटाई नहीं जा रही, ऐसे में आतंकवाद और बाकी मामलों को कैसे निपटाएगा। तब ये महसूस हुआ कि एक नई संस्था बनाई जानी चाहिए जो आतंकवाद के मामलों पर निपटे, जो स्मगलिंग के मामलों को निपटे, है ना। तो आतंकवाद के मामलों को निपटने के लिए फिर एनआईए का गठन 2009 के अंदर किया गया, एनआईए एक्ट के माध्यम से। एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई आक्रमण के बाद हुई,
ठीक है, और 2009 में हुई, ठीक है, 2009 में इसका प्रारंभ शुरुआत इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हो गया मुंबई में, जो ताज होटल पर आपने देखा था ना मुंबई में जो हमला हुआ था, अब अजमल कसाब का नाम आपने सुना होगा, अजमल कसाब जो पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत में घुसा था और उसने आकर के आतंकी हमला किया जिसको हमने जिंदा भी पकड़ा, उसके बाद एनआईए की स्थापना की गई कि भैया आतंकवाद तुम संभालो। अब सीबीआई को केवल एक काम के लिए छोड़ दिया कि अब तुम केवल और केवल आर्थिक अपराध देखो, देश को सबसे बड़ा खतरा इसी आर्थिक अपराध से, क्योंकि ये जो आतंकवाद है ये आतंकवाद के लिए पैसा कहां से आता है, ये पैसा इसी ब्लैक मनी से जाता है, जो काला धन भारत के लोग कमाते हैं फिर इसको विदेशों में भेजते हैं, ठीक है, और विदेशों से फिर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से उसको भारत में वाइट मनी में, सफेद धन में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में ये सारा का सारा पैसा या तो स्मगलिंग में चला जाता है, बहुत सारा पैसा आतंकवादियों के लिए लग जाता है, ठीक है, और उससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। सीबीआई को फिर ये काम यहां पर सौंप दिया गया, ठीक है, केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए एनआईए बना दी गई। अब एनआईए का काम यहां पर हो गया, हालांकि बाद में एनआईए संशोधन विधेयक आता है 2019 में आपने देखा होगा, तो उस समय एनआईए के कार्य भी आपने देखे होंगे कि एनआईए ने किस तरीके से उस समय उसके कार्यों के विस्तार दिया गया, उसमें और सारे मामले भी जोड़ दिए गए, बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, खरीद बेच, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, टेरर फंडिंग, सब कुछ एनआईए के अंडर में डाल दिया, उसका कार्यभार जो है उसका उसको और बढ़ा दिया गया, उसमें विस्तार दे दिया गया, ये एक प्रमुख अंतर है। वहीं सीबीआई अब भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा गंभीर एवं संगठित अपराध, आतंकवाद के अतिरिक्त से जुड़े मामलों का अनुसंधान करता है। भ्रष्टाचार का मतलब तो ये हो गया कि भाई कोई नेता ने कोई नीति के अंतर्गत बहुत मोटा पैसा खा गया, जैसे कई सारे घोटाले आपने सुने होंगे, बोफोर्स घोटाला है ना, चारा घोटाला, और भी कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के घोटाले भारत में होते रहते हैं, तो उससे उन्होंने भ्रष्टाचार करके खूब पैसा कमा लिया, या कोई सरकारी अधिकारी है उसने कुछ काम करने के बदले में आपसे डेस्क के नीचे से कुछ लिया। फिल्मों में आपने देखा ना कि कैसे काम होता है, ऑफिस ऑफिस नाम का एक सीरियल आता था पंकज कपूर का, देखना, वो बहुत अच्छे से इस चीज को दिखाता है कि कैसे भारत के कार्यालय प्रशासनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार समाया हुआ है, चपरासी से लेकर के ऊपरी अधिकारी तक। अगर आपको अपना काम निकलवाना है तो सबसे पहले तो चपरासी को रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर वो आपकी बात बाबू तक पहुंचाएगा, फिर बाबू आपसे बात करेगा, आपको सीधे मुंह देखेगा भी नहीं, इधर उधर काम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप टेबल के नीचे से कुछ लिफाफा पकड़ाओगे और उसको कहोगे कि अरे साहब देखो आपका ये लिफाफा शायद आपका है, गलती से गिर गया होगा, और फिर वो जैसे ही उस लिफाफे को देखेगा टेबल के नीचे से निकाल करके, और उसमें फिर पत्तियां दिखेंगी लाल लाल, आजकल तो लाल लाल हो गई है, पहले हरी हरी होती थी, तो वो देखेगा, फिर उसके बाद कहेगा अरे बताओ बताओ आपके क्या काम था, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, तो आपका तुरंत काम कर देगा, नहीं तो नहीं होगी, फिर उसके बाद ऊपर भेजेगा तो वहां पर देना, तो वो सारा भ्रष्टाचार हो गया, या आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ना निभाना ताकि किसी दूसरे को गलत तरीके से लाभ मिल जाए, फायदा मिल जाए उस चीज को, तो ये आता है भ्रष्टाचार की श्रेणी में। आर्थिक अपराध का मतलब आता है कि टैक्स चोरी, मान लीजिए आप अभी सामान खरीदते हो उसमें तो टैक्स दे देते हो, लेकिन मुख्य रूप से टैक्स चोरी आप कहां करते हो, इनकम टैक्स में। अब भाई मोटा पैसा कमाने वाले लोग कम थोड़ी है भारत में, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए कमाते हैं, अब ऐसे में वो पूरा टैक्स सरकार को नहीं देते, चोरी कर लेते हैं, दिखाते हैं कि भाई कमाया 1 करोड़ और दिखाएंगे कि यार हमने तो केवल 10 ही लाख रुपए कमा पाए, बाकी तो पता नहीं क्या हो गया, इतने 90 लाख रुपए पर टैक्स देने से बच गए गवर्नमेंट को, और टैक्स चोरी करके सरकार को ही नुकसान है, क्योंकि टैक्स सरकार के पास आता तो उसको योजनाओं में लगाती, लोगों की मदद के लिए लगाती, या फिर क्या किया जाता है, जमीन की सौदेबाजी की जाती है, प्रॉपर्टी जो खरीदी बेची जाती है, तो प्रॉपर्टी खरीदी बेचने में भी सरकार को टैक्स जाता है, आप देखोगे तो स्टाम्प पेपर, स्टाम्प ड्यूटी उसको बोली जाती है, वो देनी पड़ती है। तो अगर मान लीजिए कोई एक सौदा है, एक डील है, वो 10 करोड़ में हुई, तो कागजों में उसके ऊपर केवल 1 ही करोड़ दिखाएंगे कि भैया 1 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई, बाकी 9 करोड़ रुपए जो कैश के माध्यम से ले लिया जाता है, जिसके ऊपर फिर गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, तो सीधा सीधा पैसा वो बच जाता है। कहने का मतलब इस तरीके की टैक्स चोरी वो आर्थिक अपराध के अंतर्गत आ जाती है, इनकी जांच करना। और गंभीर एवं संगठित अपराध,
गंभीर संगठित अपराध वो होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आपने मूवी देखी होगी गैंग ऑफ वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर वो कोयला के खदानों पर और वहां पर खनन वाली क्षेत्रों में उसका अवैध ब्लैक मार्केटिंग करते थे, अवैध व्यापार उसका करते थे, और उससे जो सरकारी ठेके होते थे, सरकारी ठेकों को, उनको सरकार की कंपनियां होती थी उनको नुकसान होता था, उसको लूट लेना और फिर उसके माध्यम से उसको उन सामान को अवैध तरीके से बेच देना, ठीक है, और फिर उसके बाद छोटे मोटे अन्य काम करना, जैसे कि एक समूह बना करके, एक ग्रुप बना करके, एक गैंग बना करके चोरी करना, अपहरण करना, फिरौती मांगना, इस तरीके के काम करना। संगठित अपराध के बारे में अगर आपको देखना है तो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी में एक क्लास करवाई है संगठित अपराध की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, उसको देखना, बहुत अच्छे से उसमें मैंने समझाया हुआ है। संगठित अपराध एक तरीके से वही है जो गैंग ऑफ वासेपुर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से फिरौती, अपहरण, किडनैपिंग या हफ्ता वसूली, इस तरीके के कामों से जुड़े मामले। तो ये सारे मामलों की जांच पड़ताल जो है वो सीबीआई करता है। एनआईए आतंकवाद, मानव दुर्व्यापार, स्मगलिंग, हथियार, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, उससे संदर्भ में काम एनआईए करेगा। सीबीआई के आदर्श वाक्य, उद्देश्य और दृष्टि, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। पुस्तक में बहुत सारी चीजें काम की नहीं होती हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं, उसका कोई काम का मतलब बनता नहीं है। हाँ, अगर आप सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि मैं सीबीआई में जाऊं और मैं भी किसी के घर पर जाकर के रेड मारूं और उसको अपना कार्ड दिखाऊं, उसके घर पर जाकर के ऐसे मुंह पर दिखाते, ये देखो सीबीआई ऑफिसर, अब तुम्हारे घर पर रेड मारने आया हूं, है ना, टसन दिखाना है, या पीएचडी करनी है सीबीआई के ऊपर, तो ये पढ़ लेना। बाकी काम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, उसको छोड़ देना, ठीक है। सीबीआई के आदर्श वाक्य क्या है, उद्देश्य दृष्टि क्या है, इनका कोई मतलब नहीं बनता, इनसे सवाल नहीं आता, कार्यों से आएगा कि इनका कार्य क्या है, कमियां क्या है, सुधार क्या कर सकते हैं, प्रासंगिकता क्या है, ठीक है, मुद्दे इश्यूज क्या है, उससे सवाल बनता है हमेशा। इससे नहीं पूछेगा कि उसका मोटो बताओ, सीबीआई का मोटो क्या है। हाँ, सीबीआई का एग्जाम उधर जाओगे तब जरूर आप देखोगे, तो उसमें आपसे जरूर इन चीजों के बारे में पूछ लेते हैं। सीबीआई में मुख्यतः बहुत सारे, मैक्सिमम जो भर्ती है वो डेपुटेशन के माध्यम से होती है। डेपुटेशन मतलब अलग अलग संस्थाओं से लोगों को बुला लिया जाता है सीबीआई के अंदर। जैसे मान लीजिए आप पैरामिलिट्री में हैं, आप आईबी में हैं, आप पुलिस के अंदर हैं, या सेंट्रल सेक्रेटरिएट की किसी सर्विस में, किसी भी सर्विस में, और आप एक बहुत उच्च ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं और आप में योग्यताएं बहुत है, स्किल्स बहुत है, बहुत मजबूत स्किल वाले हैं, मतलब दमदार व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को डेपुटेशन में, प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं, उस पर बुला लिया जाता है सीबीआई में काम करने के लिए। सीबीआई के लोग ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोगों की, उनको चाहिए होता है ऐसा ईमानदार व्यक्ति जिसके अंदर दिमाग में कीड़ा हो, देशभक्ति का कीड़ा जिसको बोलते हैं, और वो देशभक्ति का कीड़ा हो, ईमानदारी का कीड़ा हो, ऐसे लोगों को वो बुला लेते हैं अपने पास कि आ जाओ भैया, बुलाओ आगे सीबीआई में काम करो, तो उस तरीके से वहां पर आप जाते हैं। उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी आदर्श वाक्य है। उद्देश्य जो है देश के कानून की रक्षा करना, गहराई से अनुसंधान करना, अपराधों को सफल अभियोग करना, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको काट दीजिए, काम का नहीं है, ठीक है, ना ही इसकी जो दृष्टि है ये भी आपके काम का है, इसको भी काट दीजिए, ठीक है, इसको भी काम कर काट दीजिए, ये दृष्टि आपके काम की नहीं है, इसके जगह ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें इसके कार्यों में आ जाएंगी। जब हम इसके कार्य पढ़ेंगे ना तो वो कार्य में इसकी दृष्टि भी दिखेगी, इसका उद्देश्य भी दिखेगा, इसका सब कुछ दिखेगा, तो कार्यों के ऊपर फोकस करेंगे, इसको काट दीजिए, ठीक है, स्किप कर दीजिए। बुक अगर आपके पास है तो इन सबको स्किप करते हुए चलेंगे, सीबीआई का संगठन देखते हैं और फिर इसके जब काम देखेंगे तो उन कार्यों में ये सारी की सारी चीजें दोबारा से आ जाएंगी। बुक लेकर के रखिएगा, स्किप करते चले जाइएगा, ठीक है। देखिए, आपके जितने भी सवाल हैं उन सबके सवाल का जवाब क्लास के एंड में मिलेगा, क्लास के एंड तक वेट कीजिए। क्लास के एंड में आप कुछ भी पूछ लीजिएगा, हर चीज का जवाब मिलेगा, चाहे वो इस टॉपिक से रिलेटेड हो ना हो, जनरल क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आपको जवाब मिलेगा। क्लास के बीच में मैं आपका आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उससे फिर डाइवर्जन होता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले एक वो टॉपिक कंप्लीट कर दें, उसके बाद आपको समय देंगे 15 मिनट, जो पूछना है पूछिएगा। चलिए सीबीआई के संगठन को देख लेते हैं, संगठन कैसा है। और जो नए दोस्त आते हैं लाइक शेयर करते आइए, ठीक है, जरा लाइक शेयर ठोकते हुए आओ भाई,
और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताया जरूर करो कि कैसी क्लास रही, इंडिया पाकिस्तान की इतनी एनर्जेटिक क्लास कराई आपके लिए। कमेंट्स नहीं करके बताओगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आपको किस तरीके से चाहिए, उसी हाई एनर्जी के साथ चाहिए या एक हम कम एनर्जी के साथ एक शांत तरीके से पढ़ाते हैं वो वाले तरीके से चाहिए, तो उससे ही एक आइडिया मिलता है। तो कमेंट करके जरूर बताया करें। सीबीआई मूल रूप से 1963 में जब सीबीआई की स्थापना हुई थी तो 6 संभागों के साथ की गई थी, इसको जानने की जरूरत नहीं है कि मूल रूप से कितने थे, अभी वर्तमान में कितनी शाखाएं हैं उसको जानने की जरूरत है, तो इसको भी काट दीजिएगा। मूल रूप से जो 6 बताए गए हैं इनको काट दीजिए, ठीक है, ये काम के नहीं है। इनको 7 शाखाएं हैं, ठीक है, वर्तमान में जो सीबीआई की 7 शाखाएं हैं इसको आपको थोड़ा सा फोकस देना है, इसको आपको समझना है। सबसे पहली है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के ऊपर एक्टिव रहती है। दूसरी है आर्थिक अपराध शाखा, यानी जो टैक्स चोरी से रिलेटेड मामले हैं उन मामलों की जांच पड़ताल के लिए एकदम तैयार रहती है, उसी मामले में इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उन मामलों को संभालते हैं। विशेष अपराध शाखा, जिसके अंदर आप देखोगे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे या कोई बहुत भयंकर किस्म का एक ऐसा अपराध किया गया जो कि कभी कभार देखने को मिलता है, उस तरीके के मामलों से निपटने के लिए। नीतिगत एवं समन्वय शाखा, यानी कि अगर सीबीआई काम कर रही है तो सीबीआई को कोऑर्डिनेशन भी तो करना पड़ेगा राज्य की पुलिस के साथ भी, केंद्र की बाकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी, ताकि सीबीआई को रोका ना जाए, उनके काम को करने दिया जाए उनको, है ना। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो ये शाखा देखती है, पॉलिसी मेकिंग नीतिगत काम करने का काम ये करती है। प्रशासनिक शाखा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है पूरे के पूरे सीबीआई का जो भी है। अभियोग निदेशालय जो है वो केस दायर करती है, केस लड़ने वाला जो काम होता है ना, मुकदमा दायर करना, अभियोग लगाना, उस तरीके के काम के लिए ये शाखा होती है जो ये काम करती है। और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं उन सबूतों की फोरेंसिक जांच करवाई जाती है इस प्रयोगशाला में, सीबीआई की प्रयोगशाला है। इसके अंदर भारत के सबसे प्रमुख, सबसे बहुत ही योग्य जो फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं उनको ला करके रखते हैं। सीआईडी आपने देखी होगी, सीआईडी सीरियल जरूर आपने देखा होगा सोनी टीवी पर, जिसमें एसीपी प्रद्युमन होते हैं और डायलॉग मारते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये मामला जितना दिख रहा है वैसा ठीक नहीं है, उतना आसान नहीं है, मेरे को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। उसमें दया होते हैं, वो दरवाजा तोड़ने के लिए बोलते हैं, दया दरवाजा तोड़, वो लात मार के धाड़ दरवाजा तोड़ते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी अपराध की जांच करते हैं, कोई सबूत इकट्ठा करते हैं, तो एक टीम आती है ना, मास्क वास्क लगा करके, ग्लव्स व्लव्स पहन करके, फिर सबूत इकट्ठा करती है, फिर सबूत को इकट्ठा करके लैब में ले जाया जाता है, फिर लैब में एक सफेद कपड़ों में एक डॉक्टर होता है ना, दाढ़ी वाला एक डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर जांच करता है, जांच करके बताता है कि इस बॉडी के अंदर पहले इसको दिखाया गया है कि इसको फांसी लगाई गई, लेकिन इसकी मृत्यु तो है, पहले छुरा घोंपा गया, फिर छुरा घोंप करके फिर उसके बाद गला दबाया गया, फिर ये किया गया, वो जांच करके एक एक चीज को खोज पड़ताल करके बता देते हैं आपको, तो वो फोरेंसिक जांच इसको बोला जाता है। सीबीआई की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, वो इस ऐसे मामलों को देखती है, सभी चीजों को तुरंत पकड़ लेती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार करते हुए, रिश्वत लेते हुए। रंगे हाथों पकड़े जाने का मतलब क्या है, रंगे हाथ इसलिए बोला जाता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। कई बार मान लीजिए आप काम कराने गए, आप एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, कि बिजनेसमैन है आप, एक जिले के अंदर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और वहां के जिलाधिकारी से आप बात करने गए कि देखो भैया मैं ये प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूं, ये मेरा प्रपोजल है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, उसके तहत मेरे को आपकी मदद चाहिए। अब वो ऐसे में वो आपकी मदद करने की बजाय आपसे डिमांड करने लग जाए कि देखो भैया तुम्हारा प्रोजेक्ट तो लग जाएगा लेकिन 50 लाख रुपए लगेंगे, 50 लाख रुपए हमें दे दो, बाकी मामला ठीक है। तो ऐसे में ये भ्रष्टाचार का मामला आ गया, गबन का मामला, भ्रष्टाचार का मामला आ गया। ऐसे में मान लीजिए आपने शिकायत कर दी सीबीआई को, फिर सीबीआई क्या करेगी, आपको नोट देगी अपनी तरफ से 50 लाख रुपए देगी और उन 50 लाख रुपयों के ऊपर केमिकल लगा देगी। केमिकल लगाने से क्या होता है कि जो भी उस नोट को हाथ में लेगा तो वो केमिकल उसके हाथ पर चिपक जाएगा और उस हाथ को जब पानी में डालोगे या उस हाथ को चेक करोगे तो वो रंगीन हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, रंग जाएंगे हाथ। होली के दिन दिल खिल जाते हैं ना, रंगों में रंग मिल जाते हैं,
रंग लगा देना, मुझे रंग दे रंग दे रंग दे, है ना, तो वो जो रंग लगा देते हैं वैसे रंग जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने वो सीबीआई से पैसे लेकर के, उसमें ये फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, यही तो वो केमिकल लगाती है, यही तो इन चीजों की ऊपर मास्टर होती है, यही उनको रंगे हाथ पकड़ने में बहुत भूमिका निभाती है, जबकि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बैकग्राउंड में काम करते हैं। तो फिर आप वो पैसा लेकर के जाते हैं, और मान लीजिए आपने कलेक्टर को पैसा दिया, उसने चेक किया पैसा कि हाँ भाई 50 लाख है, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही उसने हाथ में लिया तो उसके हाथ के ऊपर वो केमिकल लग जाएगा, तुरंत फिर सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच जाएगी और उसके हाथ को चेक कर लेगी पानी में या किसी केमिकल से कि देखो क्या इसके ऊपर, हाथ के ऊपर वो लगा तो नहीं, फिर उसके हाथ जो है वो रंग, पूरे रंग आ जाएगा। इसको बोले जाते हैं कि रंगे हाथ पकड़े जाना, ठीक है, असली मतलब जो है इसका रंगे हाथ पकड़े जाने का वो यही है। ये तो वो हमारी, जैसे हमारी ये है चुटकी है, वो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, यहां पर आकर के कैमरे के साथ छेड़छाड़ करना, तार के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बार बार निकाल देते फिर आ जाती है, एक मिनट दे दो मैं इसको, एक बार एक सेकंड दे दो मैं इसको बाहर भेज देता हूं, इसने ना जान खा रखी हमारी भाई। ये हमारी सीबीआई है, ये रंगे हाथ पकड़ने आती है हमें कि भैया क्या कर रहे हो आप, पढ़ा रहे हो क्या कर रहे हो, हमारे बिना रह नहीं पाती है, दिक्कत है। तो इसमें ये सीबीआई की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, ये उसमें काम करती है। तो ये 7 जो है शाखाएं हैं वर्तमान में सीबीआई की जो काम करती हैं। अब सीबीआई के गठन में देखोगे तो सीबीआई के प्रमुख कौन होते हैं, कार्मिक कौन होते हैं, उसको भी देख लीजिए। सीबीआई का प्रमुख जो है उसको बोला जाता है निदेशक, डायरेक्टर जो है वो सीबीआई का प्रमुख होगा, है ना, सीबीआई के प्रमुख को हमेशा डायरेक्टर कहा जाएगा। अब उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होता है, और उसके अलावा दुनिया भर के संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस रैंक के अन्य कार्मिक, ये सब लोग जो है इसमें होते हैं। सीबीआई जो है एक तरीके से पुलिसिया काम है, जांच का काम है ना, जांच पड़ताल का काम है, तो उसमें ये भूमिका निभाती है, ठीक। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं, लगभग 125 फोरेंसिक वैज्ञानिक और लगभग 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यकीन मानिएगा, ये 125 जो वैज्ञानिक है, फोरेंसिक वैज्ञानिक, ये भारत के सबसे टैलेंटेड फोरेंसिक विज्ञान लोग होते हैं, जो सबसे ज्ञानी किस्म के लोग होते हैं ना, बहुत ही माहिर किस्म के लोग होते हैं, वो होते हैं जो अपने काम के प्रति समर्पित है, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको उठा लिया जाता है कि आ जाओ भैया काम करो हमारे से डायरेक्ट। ऐसे ही विधि अधिकारी भी होते हैं जो लीगल मामलों में चेक करते हैं, लड़ते हैं सीबीआई की तरफ से, ठीक है, उन मामलों को। अब सीबीआई निदेशक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और आपको ये जानने की जरूरत है कि भारत में एक और एजेंसी जिसको हम बोलते हैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका हेड, उसका अध्यक्ष भी निदेशक होता है। और आईबी एक ऐसी संस्था है जिस संस्था के लिए भारत की सरकार का खजाना खुला रखा जाता है, जितना खर्चा वो आईबी कर सकती है वो करने की उसको अनुमति है, उसके लिए उसको किसी तरीके की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, विभागीय अनुमति वो धीरे धीरे समय के साथ साथ काम हो जाने के बाद भी ले लेते हैं, अगर कोई गलत काम हुआ है तो विभागीय जांच होती है, बाहरी तरीके से कुछ होता नहीं है। तो पैसे का खुला उनके पास पावर होती है, ऐसे ही जो सीबीआई का निदेशक है उसके पास भी जांच की बहुत बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, सुपर पावरफुल टाइप का व्यक्ति होता है ये। और अगर ये पोस्ट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके कारण आज तक भी सोचो राज्य सरकारें डर जाती हैं। आपने सुना होगा ना कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल कई बार आरोप लगाते हैं कि केंद्र की सरकार हमें सीबीआई का डर दिखा रही है, सीबीआई के डर से हमें परेशान कर रही है। और वास्तविकता भी है, 2009 के अंदर यूपीए 2 गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस की सरकार, उसमें समाजवादी बीएसपी और एसपी, उत्तर प्रदेश की 2 पार्टियां, उन्होंने उनको सीधे तौर पर गठबंधन नहीं किया लेकिन बाहर से समर्थन किया। उसका रीजन ये था कि सीबीआई का डर दिखाया गया था कि या तो चुपचाप हमारा समर्थन कर दो, नहीं तो सीबीआई की जांच बिठा देंगे। और उदाहरण दे दिया कि सीबीआई की जांच बिठा देंगे तो हालत पुराने नेताओं की देख लो किस तरीके से हो रखी है, वैसी ही तुम्हारी हो जाएगी। तो डर के मारे भी राज्य केंद्र सरकार के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि राज्य सरकार कोई दूध की धुली हुई तो है नहीं, कोई ईमानदार ऐसे तो है नहीं कि भाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हर कोई खूब मोटा पैसा गबन करके बैठा है, अलग अलग मामलों में खूब पैसा कमाया हुआ है। सीबीआई को जानकारी है सबकी, सीबीआई को हर किसी की जानकारी है, तो सीबीआई को जानकारी है मतलब केंद्र सरकार को जानकारी है, इसीलिए केंद्र सरकार सीबीआई का डर दिखा करके राज्यों को डराती है। तो ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस पोस्ट के ऊपर कोई ईमानदार व्यक्ति ही होना चाहिए। अगर ईमानदार व्यक्ति की बजाय केंद्र सरकार का कोई पिछलग्गू टाइप का या केंद्र सरकार का कोई घनिष्ठ विश्वास पात्र का तरीके का अगर कोई व्यक्ति सीट पर आ गया तो वो हमेशा देखोगे जांच पड़ताल में गलत तरीके का यूज करेगा, सही तरीके से निष्पक्ष आधार पर नहीं करेगा। जैसे केंद्र कहेगी कि गलत करना है तो वो गलत करेगा, है ना, निष्पक्ष नहीं करेगा। इसलिए इस प्रवृत्ति से बचने के लिए ये निर्धारित किया गया कि इसकी नियुक्ति करते समय एक समिति की सिफारिश ली जाएगी जिसमें अलग अलग लोग होंगे। सीबीआई निदेशक जो है वो पुलिस महानिरीक्षक के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, और वो सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 1946 का एक्ट है, उससे इसको पावर मिलती है, शक्तियां मिलती हैं। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम सीबीसी एक्ट पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। बेसिकली अब अपराध से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों में सीबीसी जो है वो निगरानी रखता है, उसका अधीक्षण करता है और उसकी सलाह पर, उसकी रिकमेंडेशन पर सीबीआई जो है जांच करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है। इस चीज को समझिए, कई बार क्या होता है कि सीबीआई का जो निदेशक है उसका ट्रांसफर कर देना या सीबीआई के निदेशक को उसकी पोस्ट से हटा देना, किसी दूसरे को नियुक्त कर देना, ये सब बड़ा आसान है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता था। कोई ऐसा मामला आ गया जिसमें केंद्र सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ जांच कर रही है सीबीआई और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, ऐसे में केंद्र सरकार की क्या कोशिश रहेगी? वो कोशिश ये रहेगी कि भाई सीबीआई के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और उसको कहा जाए कि देखो इस जांच में हम दोषी साबित नहीं होने चाहिए, क्लीन चिट दे दो हमारे मंत्री को। अब ऐसे में मान लीजिए निदेशक ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, सही तरीके से काम करना चाहता है, देश के दुश्मनों को भगाना चाहता है और वो सरकार की बात नहीं मानता और वो अड़िग रहता है कि मैं तो निष्पक्ष फैसला दूंगा, निष्पक्ष जांच कराऊंगा, तो सरकार उसका ट्रांसफर कहीं पर भी कर सकती थी, इधर उधर भेज सकती थी। ऐसा प्रवृत्ति भूतपूर्व में, भूतकाल में देखी गई। सीबीसी एक्ट के माध्यम से ये समझा गया कि भाई कोई भी व्यक्ति काम ढंग से कब करेगा, निष्पक्ष आधार पर कब करेगा, जब उसके पास कम से कम कार्यकाल की सुरक्षा तो हो। मान लीजिए कोई जांच आपने उसको सौंपी, अब वो जांच करने लग रहा है, उस जांच के बीच में ही तुमने उसका ट्रांसफर कर दिया और किसी दूसरे व्यक्ति को जांच दे दी, तो ऐसे में तो जांच प्रभावित होगी। फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरीके के कि कई बार कोई ईमानदार व्यक्ति कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को वो इन्वेस्टिगेशन जांच दे दी जाती है। तो सीबीआई निदेशक के मामले में ये महसूस किया गया कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी काम करता है, तो इसको कम से कम जांच पड़ताल के दौरान इसका काम बदला नहीं जाए, इसको ट्रांसफर नहीं किया जाए, इसको पद से हटाया नहीं जाए जब तक जांच पूरी ना हो जाए, और इसके लिए 2 साल का काम कार्यकाल इसका फिक्स कर दिया गया कि एक बार नियुक्त करोगे तो 2 साल का टेन्योर मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद भी अगर उसको आपको हटाना है तो हटाने के लिए भी सीबीसी से आपको एक बार बातचीत जरूर करनी पड़ेगी। अगर सीबीआई निदेशक का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और उसके बाद वो कोई मामला जो सीबीसी ने सीबीआई को दिया हुआ है उस मामले की जांच वो करवा रहा है, तो ऐसे मामले में भी 2 साल के बाद अगर उसको हटाना है, ट्रांसफर करना है, जो भी करना है, तो उसके लिए भी सीबीसी की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो उसको एक सिक्योरिटी देती है, उस सिक्योरिटी के आधार पर वो थोड़ा अच्छे तरीके से काम यहां पर करता है। अब इसके बाद लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, इसी के मैं बार बार बात कर रहा हूं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का है, स्पेशल 26 देख लेना, स्पेशल 26 अक्षय कुमार की फिल्म है, उसमें इसी के बारे में ही सारा प्रावधान है और इसी को ही आधार बना करके वो एक फेक सीबीआई टाइप की एक टीम गठित करता है, फेक भर्ती करता है और फेक छापे मारता है ना, वो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। इसका संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नांकित बदलाव किए गए। अब केंद्रीय जांच सीबीआई के गठन में क्या बदलाव किया गया? सबसे पहले तो उसकी नियुक्ति निष्पक्ष आधार पर हो, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति निष्पक्ष आधार पर हो, उसके लिए प्रावधान किए गए।
सबसे पहला प्रावधान कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति बनाई गई, जिसमें इन 3 सदस्यों में आपने पुरानी अगर देखी होगी तो उन पुरानी कई सारी समितियों में जब 3 सदस्य समिति है, जैसे सीबीसी हुआ या उसके अलावा और भी कई सारे देखे, तो उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और गृह मंत्री होते हैं, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर देखा, सीबीसी में देखा, तो उसमें सरकार का बहुमत देखने को मिलता है। विपक्ष का नेता एक होता है लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो सरकार के होते हैं, तो इन्हीं की बात जो है उसमें स्वीकार कर ली जाती है। विपक्ष के नेता का रोल थोड़ा सा कम हो जाता था, लेकिन यहां पर यह निर्धारित किया गया कि इसमें सरकार का केवल एक ही प्रतिनिधि रहेगा, एक उसके खिलाफत का भी रहेगा और एक न्यूट्रल व्यक्ति रहेगा, ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों से ही, इन दोनों की नहीं सुनता, वो केवल वही सुनेगा जो सही होगा। तो ध्यान से समझिएगा क्या है, सबसे पहले प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, ये दूसरा सदस्य हो गया, और तीसरा व्यक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो तो भाई किसी की नहीं सुनते, उस किसी की सुनेंगे नहीं, वो तो जो सही होगा उसी का काम साथ देंगे। अब मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास समय नहीं है, बिजी है, बहुत सारे काम करने, बहुत महत्वपूर्ण केसेस में उलझे हुए हैं, तो ऐसे में एक विकल्प उनको दिया गया है कि उनके कि ऐसे में जो सीजेआई है वो अपने स्थान पर किसी को नामांकित कर सकते हैं, अपने स्थान पर किसी जज को भेज सकते हैं, किसको, उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं इस समिति में, और इन 3 लोगों की समिति की सिफारिश पर, इन्हीं की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। अब जब इस समिति को देख लोगे तो इस समिति के अंदर क्या आपको कोई स्पष्ट भेदभाव तरीके का देखने को मिलेगा, किसी एक पक्ष का बहुमत मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री भी है, विपक्ष का नेता भी है लोकसभा में, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी जगह पर कोई अन्य न्यायाधीश है, तो ऐसे में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जिस पर ये 3 सहमत हो जाएंगे, और ये आमतौर पर उसी व्यक्ति पर सहमत होंगे जो किसी पार्टी के साथ ना जुड़ा हो, जो किसी गलत आरोपों में गलत तरीके का आचरण उसका ना हो, कोई ईमानदार व्यक्ति हो, कोई सच्चा व्यक्ति हो, न्यूट्रल व्यक्ति हो, इसलिए यह प्रावधान किया गया। और ये बहुत बेहतरीन प्रावधान है। लोकायुक्त अधिनियम इस क्लास के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, जैसे ये क्लास खत्म होगी कुछ समय के बाद वो क्लास भी शुरू हो जाएगी, तो उसमें भी जुड़े रहना, जाना नहीं है। ठीक है, चलिए, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा, यानी कि जिन भी मामलों पर कार्यवाही की जा रही है, अभियोजन किया जा रहा है, उसके लिए एक अलग से सेपरेट अभियोजन मंडल बनाना चाहिए, है ना, शीर्ष पर एक निदेशक होना चाहिए। यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा, यानी कि सेक्रेटरी लेवल, संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है उसके नीचे का अधिकारी नहीं होगा, उससे ऊपर का ही होगा। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगा, सीबीआई के प्रत्यक्ष अधीक्षण के अंदर यह काम करेगा, अभियोजन का जो भी काम है, जो जांच पड़ताल के बाद जो केस चलाए जाते हैं उसके लिए, और इसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगी। ठीक है, सीवीसी की अनुशंसा पर इसकी नियुक्ति की जाएगी, उसका कार्यकाल भी 2 वर्ष का होगा, 2 साल के लिए जो सीबीसी एक्ट से उसको दी गई वो। अब एक और चीज समझिए कि केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए। जब भी देखोगे तो डीएसपी रैंक जो है, ठीक है, डीएसपी के रैंक के ऊपर वाले जो पोस्ट के जो लोग हैं उन्हीं को ही सीबीआई में अधिकारी के तौर पर प्रतिनियुक्ति दी जाती है, उन्हीं को उसमें बुलाया जाता है। सब इंस्पेक्टर भी अगर कोई होता है, इंस्पेक्टर भी कोई होता है, तो प्रमोट करके उसको डीएसपी के रैंक के साथ यहां पर सीबीआई में प्रतिनियुक्ति उसको दे दी जाती है। यह नियुक्ति वह समिति करती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्तगण गृह मंत्रालय के सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। इस तरीके की नियुक्तियों में सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ही काम करते हैं, वो ढूंढते हैं काम काम के जो ईमानदार व्यक्ति हैं, सच्चरित्र व्यक्ति हैं। आप अप्लाई भी कर सकते हो, अगर मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हो, आप पुलिस में सर्विस कर रहे हो, पैरामिलिट्री में सर्विस कर रहे हो, सीएपीएफ में सर्विस कर रहे हो, आप वहां पर असिस्टेंट कमांडेंट हैं या आप वहां पर इंस्पेक्टर 3 स्टार वाले रैंक के अधिकारी हैं, है ना, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो सीबीआई के लिए प्रतिनियुक्ति में जाने के लिए।
डेपुटेशन पर जाने के लिए वहां पर, तो उन आवेदनों के आधार पर भी डेपुटेशन पर बुला लिया जाता है। और जो लोग आवेदन नहीं भी करते, अगर ईमानदार हैं, स्किलफुल हैं, सीबीआई के काम के हैं, तो सीबीआई उनसे डायरेक्ट भी अप्रोच कर लेती है, डायरेक्ट अप्रोच करके फिर आवेदन करवा देती है कि एक काम करो तुम ये आवेदन भरो और आ जाओ यहां पर, तुम्हारी तो जरूरत है हमें। इसीलिए कहा जाता है जो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग है ना, वो क्या नाम है उसका, आमिर खान का नाम क्या होता है उसमें, भूल रहा हूं, शायद रणछोड़ दास चांचड़ कुछ होता है, उनका डायलॉग है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काम है ना, योग्य बनो, लायक बनो, है ना, लायक बनोगे, योग्य बनोगे तो सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो पहले अपने आप को योग्य बनाओ, लायक बनाओ, काबिल बनाओ, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी, सारी दुनिया अपने आप आगे पीछे घूमेगी तुम्हारे। तो कामयाब होने के लिए पहले योग्य होना जरूरी है। तो अगर आप योग्य होंगे तो सीबीआई के अंदर भी आपको तुरंत बुला लिया जाएगा, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 2014 ने एक परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया समझिए, अभी तक सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में 3 लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का नेता है और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, ठीक है, इसको समझिए। नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं, इधर लिखिए, देखिए, अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति में क्या बदलाव हुआ ये समझिएगा। पहले हो गए प्रधानमंत्री, ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें तो लोकसभा में विपक्ष का नेता हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा सर्वोच्च भारत के सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश जिसको कि सीजीआई नामांकित करे। लेकिन 2014 के अंदर और 2019 के अंदर एक बड़ी ही प्रवृत्ति देखने को मिली, एक अजीब सी सिचुएशन देखने को मिली भारत के अंदर। 1960 के दशक के बाद से 1967 के बाद से पहली बार भारत में इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि विपक्ष में कोई विपक्षी दल, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल है ही नहीं। एक निर्धारित कोटा आपको लेना होता है सीटों का विपक्षी दल बनने के लिए, है ना, कुल उतनी सीटें अगर आपके पास नहीं है किसी पार्टी के पास तो आप विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिल ले सकते, ठीक है। कितनी प्रतिशत सीटें होनी चाहिए विपक्षी दल का आपके पास दर्जा प्राप्त करने के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या लोकसभा में उसके लिए आपके पास 55 सीट होनी चाहिए, 65 सीट होनी चाहिए कि 75 सीट होनी चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी मेरी पुरानी क्लासेस में, जो संसद की क्लास जो मैंने कराई थी, पार्लियामेंट वाली क्लास एम लक्ष्मीकांत की ही, उसमें मैंने ऑलरेडी ये करवाया है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितनी सीटें होनी चाहिए किसी पार्टी के पास जिससे कि वो मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बन जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन, जिसने भी 10% लिखा या 55 लिखा उनके लिए तालियां, वेरी गुड, यही सही जज्बा है। तो इतनी चाहिए। अब भारत में कोई ऐसी पार्टी थी नहीं जिसके पास 55 सीट हो, जो विपक्ष में हो, ज्यादा सीटों वाली जो भी पार्टियां थी वो तो सरकार बना ली, विपक्षी दल के लिए दिक्कत आ गई। अब किसी को भी मान्यता प्राप्त विपक्ष का वो नहीं दिया गया, दर्जा नहीं दिया गया। अब जब मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा नहीं है तो बहुत सारी समितियां और बहुत सारी नियुक्तियों से संबंधित समितियां, संसद की समितियां और भारत के नियुक्तियों संबंधित समितियां और भी कई सारी समितियों में विपक्षी दल के प्रमुख की पोस्ट होती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, वो उसमें भी होता है। ऐसे ही इसकी नियुक्ति की बात करेंगे, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति, इसमें भी लोकसभा में विपक्ष का नेता है। लेकिन अगर किसी पार्टी को विपक्षी दल का मान्यता ही नहीं है तो विपक्ष का नेता कैसे होगा? ऐसे में नियुक्तियां रुक जाती, क्योंकि संवैधानिक तौर पर इन समिति की सिफारिश के बिना तो नियुक्ति हो ही नहीं सकती। तो अगर नियुक्ति नहीं हो सकती तो फिर तो काम रुक जाएगा। तो जो 2014 का जो एक्ट था, लोकपाल वाला एक्ट, उसमें एक बदलाव किया गया। उसमें यह बदलाव किया गया कि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता ना हो। अगर 55 सीटें नहीं है और विपक्ष का कोई मान्य नेता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो ऐसे में वहां लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता इस समिति का सदस्य होगा।
यानी कि फिर इसका मतलब है कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां बैठी हैं, जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी वो विपक्ष का नेता कहलाएगा और उसको इन नियुक्तियों वाली समिति में शामिल कर लिया जाएगा। इसीलिए कांग्रेस को मौका मिल जाता है यहां पर नियुक्ति के मामले में, है ना। फिर चाहे किसी के पास 30 सीट हो, 35 सीट हो, 40 सीट हो, सबसे ज्यादा होनी चाहिए विपक्ष का दर्जा, नेता का दर्जा आपको मिल जाएगा। ये एक बदलाव जो है यहां पर देखने को मिलता है। यहां से प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सवाल आ जाएगा, ठीक है, और उस प्रारंभिक परीक्षा में यहां से आपको दे दिया जाएगा जवाब। यहां से सवाल ऐसे दिया जाएगा, समझिएगा बड़े ध्यान से, कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति में निम्नांकित में से कौन से सदस्य होते हैं। पहला विकल्प देंगे ए, और उसमें आपको कहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री, बी राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी लोकसभा में विपक्ष के नेता, या लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता। ये आपको दे दिया जाएगा, तो आपसे कहा जाएगा कि करेक्ट करो, ठीक है, क्या करो, करेक्ट करो। फिर आपको क्या आंसर देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जितने भी दोस्त हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा। ए बी सी डी में से दो विकल्प बिल्कुल सही है, दो विकल्प बिल्कुल गलत है। सी डी जो इसका है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी डी जो है इसका करेक्ट आंसर, पहला और दूसरा गलत है। गृह मंत्री नहीं होता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता वो भी नहीं होता, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट पाने वाली पार्टी, विपक्षी पार्टी, उसका नेता वो होता है, और प्रधानमंत्री होता है, और मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त नामांकित किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वो इसके सदस्य होते हैं। ऐसे प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सवाल बनेगा, ठीक है, इस चीज को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीबीआई के कार्य अब देख लेते हैं, काम क्या है। जो सीबीआई की दृष्टि आप देख रहे थे ना दोस्त, सीबीआई का विजन, दृष्टि, उद्देश्य, वो सब इन कार्यों में झलकेगा। प्रमुख प्रमुख कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लिमिटेड है ये। राज्य सरकारों के मामले से भी इसका कुछ जुड़ा हो उसको भी मैं समझाऊंगा कि राज्य के अंदर मामला अगर कोई हो तो उसकी जांच कैसे करेगा। केंद्र सरकार का कोई भी मामला है उस मामले में ये जांच कर सकता है अपनी तरफ से, इसके पास स्वतंत्रता है, इसकी इसका फ्रीडम, इसकी फ्रीडम इसके पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर हो, चाहे कितने ही बड़े रैंक का ऑफिसर हो, उसके लिए ये जांच कर सकता है, उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले होती थी कि कुछ सचिव स्तर के अधिकारी, अगर उससे ऊपर अगर आपको जांच करनी है तो पहले आपको परमिशन लेनी है। निचले स्तर के अधिकारियों की जांच सीबीआई अपने आप कर सकती थी, उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्धारित कर दिया गया कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कितने ही बड़ी पोस्ट पर हो और कितने ही निचली पोस्ट पर हो, उसकी जांच पड़ताल जो है वो सीबीआई कर सकती है बिना परमिशन के। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, दुराचार में लिप्त है, अगर वो घूसखोरी में लिप्त है ना, पैसा लेते हैं, इस तरीके के मामले होते हैं। भ्रष्टाचार, घूसखोरी क्या है समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझते हैं, समझदार हैं इतने तो आप सब लोग, है ना। आपको भी मौका मिलेगा जब आप जाओगे ऐसी सिचुएशन में, आप ईमानदारी दिखाना वहां पर, आप ये काम, गलत काम जो है वहां पर नहीं करना, ठीक है। राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, आर्थिक कानून और राजकोषीय कानून, मतलब इसका मतलब है टैक्स चोरी, सीधी सी बात है, टैक्स चोरी की बात कर रहे हैं। जो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझते जो मेरे दोस्त, तो टैक्स चोरी की बात करें कि अगर कोई टैक्स चोरी से संबंधित कोई मामला है तो उनका अनुसंधान करना, जैसे कि आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनियमन आदि के उल्लंघन के मामले, यानी कि अगर आप कहीं से कस्टम ड्यूटी बचाना चाहते हैं, जैसे कई बार सामान आता है ना विदेश से, सामान आता है पोर्ट के माध्यम से हमारे पोर्ट पर उतरता है, तो आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है उसके ऊपर, उससे बचने के लिए आपने साठ गांठ कर ली किसी से और चुपचाप गुपचुप तरीके से बिना कस्टम ड्यूटी करे भारत में ले आए, उसको स्मगलिंग बोल देते हैं। टैक्स जो कानून है जिसके तहत जो आपको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स आप बचा रहे हैं, उससे संबंधित मामलों की जांच पड़ताल जो है वो ये करेगा।
पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि कोई संगठन है और उस संगठन ने किसी का अपहरण कर लिया, ठीक है, किसी को किडनैप कर लिया, कोई नेता आया भारत के अंदर, कोई बहुत प्रमुख किस्म का व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है, उसकी बेटी को किडनैप कर लिया और फिरौती मांग रहे हैं उससे कि 100 करोड़ रुपए दो नहीं तो बेटी को जिंदा नहीं देख पाओगे। इस तरीके के जो मामले हैं बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, ऐसे मामलों में इनकी जांच पड़ताल भी सीबीआई करती है, ठीक है, और जिसका इंपैक्ट जो है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग भी, मनी लॉन्ड्रिंग उसका सब बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो धन शोधन उसको बोलते हैं, तो उसका इंपैक्ट अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पड़ता है, ऐसे मामलों की जांच पड़ताल भी सीबीआई करती है। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं, केवल सीबीआई नहीं है, सीबीआई के अलावा भी कई सारी एजेंसीज हैं, जैसे प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और जिसको आप बोलते हैं ना, और भी छोटी छोटी कई सारी राज्य के स्तर पर एजेंसीज होती हैं जो इन चीजों के बारे में निपटती, इन चीजों को देखती है, ठीक है, इसको देखिए। तो उन सबके बीच में अगर एक ही मामले में सारे लोग पहुंच गए, मान लीजिए कोई एक अपराधी है, कोई एक बिजनेसमैन है, या कोई केंद्रीय कार्मिक है, या कोई मंत्री है, और उसने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है, ठीक है, और उस घोटाले को जांच के लिए, उसके गबन की जांच के लिए वहां पर ये सब लोग पहुंच गए, राज्य की पुलिस भी, केंद्र की जो है सीबीआई भी, राज्य की जांच एजेंसी भी, केंद्र की दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी, ये सभी लोग आ गए। तो अगर ये सभी लोग आ जाएंगे तो फिर काम ढंग से हो नहीं पाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, समन्वय होना जरूरी है, और वो समन्वय का काम इन्हीं को दे दिया गया है, सीबीआई को ही सौंप दिया गया है कि समन्वय का काम सीबीआई करेगी। राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना, राज्य से संबंधित कोई भी मामला होगा उसमें सीबीआई अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में आपने एक बहुत बड़ी घटना देखी कि भारत के कई सारे राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, उन्होंने सीबीआई को पूर्वानुमति जो दी गई थी वो उससे वापस ले ली। सीबीआई की पूर्वानुमति का मतलब समझिए कि क्या होता है, सीबीआई केंद्र से संबंधित कोई भी मामला है उसमें तो वो अपनी मर्जी से जांच कर सकती है, लेकिन अगर किसी राज्य से संबंधित, राज्य के अधिकारी, राज्य के मंत्री, राज्य के काम से संबंधित कोई मामला है, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कोई मामला है, तो उसकी जांच पड़ताल और उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर सीबीआई को करनी है तो उसके लिए पहले राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट से उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती, बकायदा फाइल में प्रॉपर फाइल वर्क करके परमिशन लेकर के फिर काम करना पड़ता है, बिना उनकी परमिशन के वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या था कि बहुत सारे राज्यों में अगर हर काम के लिए इस तरीके से परमिशन मांगने जाते तो अपराधी सतर्क हो जाते थे, क्योंकि राज्य की सरकार में भी देखोगे तो राज्य के स्तर पर भी 60-60 तो लोगों की होती है, तो वो सतर्क हो जाते थे। अब उनकी सतर्कता से बचने के लिए सरकार क्या करती थी कि सभी राज्यों से एक बार लिखित में पूर्व अनुमति ले ली, जो जो राज्य सहमत हुए कि भैया हमारे राज्य में सीबीआई कभी भी किसी भी समय जांच कर सकती है, हम इसको एक बार अनुमति दे रहे हैं, बार बार अनुमति लेने की जरूरत है नहीं, तो वैसी अनुमति गवर्नमेंट ने ले रखी थी। अब क्योंकि केंद्र और राज्य के संबंध थोड़े से बिगड़े तो पश्चिम बंगाल जैसे और भी बहुत सारे राज्यों ने पूर्वानुमति जो थी सीबीआई को जो दी गई थी वो वापस ले ली। अब सीबीआई को उन राज्यों में कोई भी गतिविधि करनी है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए जांच उनसे डिमांड करनी पड़ेगी। यही एक कारण था जिस कारण एनआईए को अलग किया गया। एनआईए ये संगठन जो है 2009 में बनाया गया, इसका रीजन यही था, कारण यह था कि सीबीआई जो है वो आतंकवाद और बम ब्लास्ट के विस्फोटों के मामले की जांच पड़ताल करती थी। अब सीबीआई जब उसमें काम करती थी तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको देखो, अब ज्यादा अगर आप चैटिंग में व्यस्त रहोगे, ज्यादा इधर उधर की बातें करोगे ना तो चुपचाप से ब्लॉक हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। कोई किसी के ऊपर रिएक्ट ना करे, काम के ऊपर ध्यान दे और ज्यादा बातों की बजाय क्लास के ऊपर फोकस करो, नहीं तो सारे लोग अपने आप देखो धीरे धीरे चलते चले जाएंगे,
कॉपी पेस्ट करने वाले भी ब्लॉक हो जाएंगे। गेहूं के साथ गुण भी पिसेगा, अब ज्यादा कुछ मत करो। चलिए अब इस चीज को देखो, सबसे पहले कि जब भी हम बात करते हैं आतंकवाद के मामलों की, तो सीबीआई आतंकवाद के मामलों की भी जांच करता था, ठीक है, और इसके साथ साथ सीबीआई बम विस्फोट के मामलों की भी जांच करता था। यहां पर दिक्कत यह हुई कि सीबीआई एक ऐसी संस्था थी, जब बम विस्फोट मान लीजिए किसी राज्य में हुआ तो उस बम विस्फोट की जांच करने के लिए भी उसको राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ रही थी। अब राज्य सरकार पता नहीं कब परमिशन दे, प्रक्रियाएं हो, इतनी समस्याएं हो, इतनी देर में तो आतंकवादी लोग भाग लेंगे, कहीं के मारे कहीं निकल लेंगे, वो रुके थोड़ी रहेंगे, इंतजार थोड़ी करेंगे, बम फोड़ करके लोगों को मार करके बैठे रहेंगे घटनास्थल पर कि रुको भैया हम इंतजार कर रहे हैं, सीबीआई आएगी, सीबीआई हमें देखेगी, फिर हम भागेंगे, फिल्मों की तरह दिखाई देगा कि सीबीआई पीछा कर रही है, ऐसा थोड़ी करेंगे, वो तो तुरंत निकल लेंगे, रफू चक्कर होंगे, और सबूत जो है उन सबूतों को भी तुरंत इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है, फोरेंसिक टीम किसी घटना स्थल पर जितनी जल्दी पहुंचेगी उतने पुख्ता सबूत जुटा पाएगी, उतनी जानकारी जुटा पाएगी, और अगर उसमें समय लग रहा है, बम विस्फोट आज हुआ, सरकार ने परमिशन 2 दिन के बाद दी, उसके बाद जांच करिए, तब तक तो सारे सबूत मिट लिए होंगे, है ना। तो ये समस्या थी, तो ये महसूस किया गया कि एक ऐसी संस्था हो जो जिसके काम के लिए परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े और जो केवल इन्हीं मामलों को निपटाए, आतंकवाद वाले मामलों को। तो एनआईए बनाया गया और एनआईए के मैंडेट में लिखा गया कि एनआईए जो है वो कोई भी काम करेगी तो उसके लिए उसको किसी भी राज्य से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री करेगी। अगर आतंकवाद का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर उसमें स्मगलिंग का मामला है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, हथियारों का मामला है, सीधे एंट्री करेगी, कोई रोक नहीं सकता वो, इसलिए उसको अलग बनाया गया ताकि वो काम प्रभावी रूप से हो सके। इसी यही कारण था कि राज्य सरकार से जो परमिशन लेने वाला प्रावधान था, इसलिए सीबीआई जो है ना थोड़ी सी बम ब्लास्ट के और आतंकवाद के मामलों में सफल नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे काम भी सीबीआई कर सकते हैं जिसमें राज्य सरकार उससे अनुरोध करे, राज्य सरकार उसको एक मामला सौंपे कि देखो भैया हमारे राज्य में एक बड़ा समस्या हुई, बहुत बड़ा गबन हुआ है, बहुत बड़ा योजना में धांधली हुई है, इसकी जांच तुम करो। कई बार आपने डिमांड देखी होगी, कई छोटे मोटे मामलों की भी डिमांड करी जाती है, लोग बोलते हैं कि भैया इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का हत्या कर दी गई, या किसी दो समुदायों के बीच में भिड़ंत हो गई, या आपने देखा जो रेप केस जैसे मामले, जो संवेदनशील रेप मामले होते हैं, ऐसे मामलों की जनता और बाकी लोग सरकारी डिमांड करते हैं कि इसकी जांच सीबीआई करे। वो डिमांड क्यों की जाती है, वो इसलिए कि सीबीआई के हाथ में नहीं होता इन मामलों को जांच करना, अपने आप से नहीं कर सकती है। अगर उसको राज्य सरकार भेजेगी जांच करने के लिए तभी वो जांच कर पाएगी। तो ऐसे मामलों के लिए भी ये होता है, राज्य सरकार की विषय मर्जी से ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। एनआईए भी हम बाद में पढ़ेंगे, इनके आगे की सारी चीजें जो है वो पढ़ेंगे। चलिए, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपके पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए आपके पास बुक है, हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपके पास ये बुक है, ये बुक क्या है, इस पुस्तक क्या है, इसमें सूचनाओं का संग्रह है ना, जानकारियां हैं, सारा डाटा है, फैक्ट्स हैं, है ना, तो आप इसको पढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए आसानी हो गई, आप सारी पॉलिटी इस किताब के माध्यम से अच्छे से तैयार कर पा रहे हैं। लेकिन क्या होता अगर ऐसी कोई किताब ही नहीं होती, ये सूचना, ये जानकारी 20-30-40 अलग अलग किताबों में, अलग अलग चीजों में होती, अलग अलग जगहों से लेनी पड़ती, तो पॉलिटी तैयार करने में ही 10 साल लग जाते, दिक्कत होती। तो अब अच्छा काम क्या होगा कि सारी सूचनाओं जानकारियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, डाटा स्टोर कर दिया, इसको हम बोलेंगे डाटा स्टोर हो गया इस किताब में पॉलिटी का। तो ऐसे ही भारत के अंदर जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं, या सीबीआई जिन भी मामलों के में कार्यवाही करती है, तो उन सभी मामलों में और जो जितने भी आर्थिक अपराध से जुड़े डाटा हैं, उन सारे डाटा का वो एक जगह पर अपने पास अनुरक्षण रखती है, आंकड़ों का अपने पास इकट्ठा सेंटर बना करके रखती है, और उस डाटा का यूज अलग अलग मामलों में विभिन्न एजेंसियां कर सकती हैं। अलग अलग एजेंसियों की सहायता के लिए वो डाटा उनको दे दिया जाता है कि ठीक है भैया ये लो, जांच कर लो, जो भी आपको देखना है। और सूचना का प्रसार भी किया जाता है अलग अलग एजेंसियों के माध्यम में, सरकारों के माध्यम में उनको दिया जाता है बाकायदा कि ये देखो सीबीआई का डाटा है, ये ऑथेंटिक डाटा है, इस डाटा के आधार पर काम करो, इस डाटा के आधार पर जांच करो,
इसको आधार बना करके फिर आगे की कार्यवाही करो तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो ये काम भी आप देखोगे यहां पर होता है, ठीक है। ये क्या है, ये भी होता है। आगे चलते हैं। सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। ये चीज मैं समझा चुका हूं। क्लास की स्टार्टिंग की पहली जो लाइन थी वो पहली लाइन यही थी मेरे दोस्त, ठीक है। क्लास की स्टार्टिंग की जो है वो पहली ही लाइन यही थी, ठीक है। ये समझा दिया है, चलिए आगे चलते हैं। सामान्यतः ये केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। सिंपल सा मामला है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंतर्गत, उसी के लिए, उसके मामलों से जुड़े मामलों में काम करती है। हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ये वही चीज है जो मैंने आपको बता दिया कि कोई बहुत बड़ा बलात्कार का मामला हुआ, जैसे निर्भया केस हुआ, कोई हत्या, कोई जैसे तलवार केस जो आपने देखा ना, आरुषि हत्याकांड इस तरीके का, तंदूर हत्याकांड, इस तरीके के बहुत ही संवेदनशील मामले आए, इनके लिए लोग डिमांड करते हैं सरकार से कि भैया इसको सीबीआई की जांच कराई जाए। फिर राज्य सरकार ऐसे मामलों को सीबीआई को सौंप सकती है और फिर सीबीआई उनकी जांच कर सकती है। सेम वही चीज है और अलग चीज नहीं है ये। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में लेती है। अब कई बार ये भारत में एक बहुत बेहतरीन बात हुई। कैसी बात हुई, इसको हम बोलेंगे न्यायिक सक्रियता। ध्यान रखिए, न्यायिक सक्रियता इसको कहा जाएगा, सक्रियता। भारत के अंदर न्यायपालिका ने गुड गवर्नेंस लाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो गुड गवर्नेंस की बात करें तो उसमें न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म भी इसमें रोल प्ले करता है। सीबीआई, सीवीसी ये तो है ही, इसके साथ साथ जुडिशियल एक्टिविज्म भी गुड गवर्नेंस के लिए काम करता है। क्या होता है, कई बार सरकार को आप चिल्लाते रह जाओ, उसके पीछे पड़े रह जाओ, कितना भी आंदोलन कर लो वो काम नहीं करती है। कई बार उसने ठान लिया ना कि इस मामले पर कार्यवाही नहीं करनी तो नहीं करेगी। लेकिन अगर वही मामला आप जनहित याचिका के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले गए, ठीक है, और कोर्ट में ले गए और कोर्ट को लगता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से भी कार्यवाही करने के निर्देश दे देता है। इवन सरकार को, संसद को भी निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि भैया आपको ऐसा काम करना चाहिए। सीबीआई को भी ऐसे मामलों की जांच सौंप सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भारत में कोई बहुत भयंकर किस्म का कोई नेता हुआ और उस नेता ने किस कॉन्स्पिरेसी करके अपने ही क्षेत्र के कई सारे विधायकों को खरीद लिया, ठीक है, और उनको खरीद करके दूसरे की पार्टी की सरकार गिरा दी, ठीक है, और अपनी सरकार बना ली गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से। अब मान लीजिए ऐसा कोई मामला आया तो ऐसे मामलों को सीबीआई को सौंपा जा सकता है इनके माध्यम से, ठीक है, या और भी कोई मामला जो भी इनसे जुड़ा हुआ है, गंभीर अपराध जो है इनसे जुड़ा मामला, वो सीबीआई को कोर्ट डायरेक्शन दे करके सौंप सकती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी काम करती है। इंटरपोल जो है उसका मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल, देखो इसका नाम दो शब्दों से जुड़ करके बना है, एक इंटर और एक पोल, ठीक है, इंटर प्लस पोल। इसको मैं दोबारा से समझाता हूं, सारी इसको हटा करके, इंटरपोल का नाम है ना दो शब्दों से जुड़ा है, एक इंटर और एक पोल। तो इंटर का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, और पोल का मतलब है पोलिस, पोलिस। तो इंटरपोल का मतलब हुआ इंटरनेशनल पुलिस, अंतरराष्ट्रीय पुलिस, यानी कि जितने भी ऐसे क्राइम जो इंटरनेशनली अफेक्ट करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं, उन सभी मामलों में सब पूरे विश्व में सब लोग मिलकर के काम करते हैं, एक ऐसी एजेंसी जिसको इंटरपोल कहा जाता है। और उस इंटरपोल के लिए कोई अलग से भर्तियां नहीं होती हैं, हर देश के अंदर किसी ना किसी एक एजेंसी, एक संस्था को इंटरपोल की शाखा के रूप में कार्य करने का जो है अधिकार दिया जाता है, और उसमें कुछ अधिकारियों को इंटरपोल के अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, वो अंतरराष्ट्रीय पुलिस होती है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ, जैसे मान लीजिए कि भारत का विजय माल्या है या भारत का नीरव मोदी है, वो पैसा गबन करके भाग गया, तीन चार देशों में भाग करके छुप गया, अब उसके बारे में पता कैसे चलेगा, कौन ढूंढेगा, तो ऐसे में इंटरपोल काम करती है। जो इंटरपोल है वो उनकी बारे में जांच पड़ताल करेगी, जिस भी देश में होगा उस देश में इंटरपोल की जो शाखा है वो जांच पड़ताल करेगी, फिर वो बताएगी कि तुम्हारे विजय माल्या साहब तो हमारे देश में है,
अरे ये देखो ये तो मैच देख करके निकल रहे हैं यहाँ पर, लोग फोटो खींच रहे हैं उनके साथ, आ जाओ धर लो इसको, है ना। तो ऐसे इंटरपोल की जो भारत के अंदर जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है उसके रूप में ये काम करती है। कई बार डायरेक्ट भी ये कहा जाता है कि भारत में की इंटरपोल कौन है, सीबीआई। ठीक है, सीबीआई क्या है, भारत की इंटरपोल भी है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है, कोऑर्डिनेशन करती है कि इंटरपोल की एजेंसी जो है उस वो इंटरपोल के जो सदस्य देश हैं वो और भारत की जो जांच एजेंसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, किसी मामले में इन दोनों के बीच में आपस में टकराव ना हो, मिलजुल करके काम करें। ऐसा अपराध जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराध है जिसमें इंटरपोल भी लिप्त है, इंटरपोल भी जिसमें उस अपराध की जांच में शामिल है, तो ऐसे में हो सकता है कि भारत की जो खुद की जांच एजेंसियां वो उसके काम में बाधा पहुंचाएं, उसकी बजाय अपने काम को ज्यादा महत्व दें, तो इससे जांच बाधित हो जाती है, प्रभावित होती है। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, इन दोनों के बीच में समन्वय कराने का काम भी सीबीआई ही करती है। पूर्वानुमति के प्रावधान को समझिए, पूर्वानुमति का प्रावधान जो है राज्यों के साथ था, एक तो कि राज्यों के मामले में पूर्वानुमति लेनी पड़ती है इनको, और संयुक्त रूप से बहुत सारे राज्यों से पूर्वानुमति ले भी ली थी, अब वो राज्यों ने, कई सारे राज्यों ने वो पूर्वानुमति वापस ले ली, यानी कि अब राज्य से संबंधित कोई भी मामला होगा सीबीआई जो है राज्य से पूछ करके ही काम कर सकती है। इसके अलावा अधिकारी के स्तर पर भी पूर्वानुमति का प्रावधान था। पहले क्या था कि केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पद कर लीजिए, उस उच्च पद के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेती थी। अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी है, संयुक्त सचिव है, और उस पोस्ट या उससे ऊपर की पोस्ट, उस पोस्ट पर अगर कोई अधिकारी है तो उनने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने कोई गबन किया है, उन्होंने कोई आर्थिक अपराध किया है, उनके खिलाफ अगर कभी जांच की जरूरत पड़ती तो सीबीआई को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, और बाकी जो उसके नीचे के स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, उनकी जांच पड़ताल के लिए सीबीआई को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया था कि जो संयुक्त सचिव या जो ऊपर के सचिव है वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ काम करते हैं, केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी दे करके रखती थी कि चलो भाई मंत्री कुछ गबन कर रहा है, ये भी कुछ गबन कर रहे हैं, तो अपने ही लोग हैं, सीबीआई की डायरेक्ट जांच ना हो, हमसे पूछ करके करे जांच करे, तो अगर हमारे साथ रहेगा तो हम जांच करने की अनुमति नहीं देंगे, अगर हमारे साथ नहीं रहेगा तो सीबीआई का डर दिखा देंगे, जांच करेगी, इस तरीके का मामला। तो ये एक भेदभावपूर्ण मामला था। सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला जाता है, ठीक है, और 6 मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बेहतरीन डिसीजन देता है। भारत की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। केवल सरकार के भरोसे और केवल संसद के भरोसे अगर हम रहते और न्यायिक सक्रियता भारत में नहीं होती तो भारत में आज गुड गवर्नेंस के जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, सुशासन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो चरितार्थ नहीं हो पाता व्यवहारिक रूप से, और बहुत सारी समस्याएं बनी रहती। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया, जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। यानी कि ऐसे मामले जिस मामले में केंद्र की सरकार को उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, और परमिशन लेने के बाद ही वो उन अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को ही इनवैलिड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आपको पता होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उस चैप्टर को जरूर जाकर के देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसे कानून या कोई भी ऐसा संविधान संशोधन, कोई भी ऐसा कार्य या कार्यपालक या आदेश, चाहे वो सरकार के द्वारा पारित किया गया या संसद के बनाया गया कानून हो, अगर संविधान या विधि का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको इनवैलिड या अमान्य करार कर सकती है। अब न्यायपालिका ने इस कानून की जांच पड़ताल की
और उसने देखा कि यार ये तो भेदभाव वाला कानून है, इसमें तो ये कहा गया है, इसका मतलब तो ये बोला गया है कि भाई जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनको अलग विशेष दर्जा, और जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं या निचले स्तर के कार्मिक हैं वो अगर भ्रष्टाचार करें तो उनके साथ अलग ट्रीटमेंट, ये तो एक भेदभाव है। हमारा तो आर्टिकल 14 भी हर मामले में कानूनी रूप से सबको इक्वालिटी देता है, समानता देता है। तो इन्होंने, संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेना, जिसमें संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश है, वो संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। क्लियरली उन्होंने कहा कि ये निर्देश जो है वो संविधान की धारा 14, संविधान की धारा का मतलब आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानूनों का समान संरक्षण, कानून सभी के लिए समान है और सभी कानून के सामने समान है, किसी के साथ कानून के मामले में आप भेदभाव नहीं कर सकते। और ये धारा जो 6A है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की, वो ये कहती है कि संयुक्त सचिव के अधिकारी और उससे ऊपर के वरिष्ठ नौकरशाह उनके मामले में तो जांच स्वयं नहीं कर पाएगी सीबीआई, लेकिन उनसे नीचे के जो कार्मिक अधिकारी है उस मामले में वो खुद जांच कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि यार ये कैसा हुआ, गबन तो गबन है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, हत्या तो हत्या है। अब चाहे वो मंत्रिमंडलीय सचिव है वो किसी की चाकू घोप करके हत्या करे, या कोई एक चपरासी स्तर का व्यक्ति वो किसी की चाकू घोप कर हत्या करे, है तो दोनों ही हत्या, लेकिन इसके बीच में ये भेद करना कि चपरासी ने चाकू घोप करके मारा है, इस मामले की जांच तो सीबीआई खुद कर लेगी, लेकिन क्योंकि मंत्रिमंडलीय सचिव है उसने चाकू घोप करके मारा है तो उसकी जांच करने के लिए पहले सरकार से जाकर के पूछो, ये कौन सा वो हुआ भारत के अंदर? ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 14 जो है उसका उल्लंघन है। ये बात इन्होंने क्लियर की। देखो संसद के पास पावर है, मैं फिर से बताता हूं, हमेशा मैं बोलता हूं कि कोई भी कानून, कोई भी आदेश, कार्यपालिका आदेश अगर संसद, अगर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाता है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे किसी भी कानून या ऐसे किसी भी आदेश को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है, इनवैलिड कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है। यही काम सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में करके दिखा दिया, और इसके बाद सीबीआई के जो निदेशक थे उन्होंने खुद ने बड़ी ही खुशी के साथ इस फैसले के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इससे हमारी सीबीआई और अधिक सक्षम होगी और सीबीआई और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, खास करके उच्च स्तर के जो बड़े बड़े मोटे भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं, उन मामलों में। ठीक है, रीजन क्या है कि मोटा पैसा कहां मिलेगा? आप बताओ कि भैया सबसे मोटा घोटाला आप कहां कर सकते हो, मोटा गबन, मोटा पैसा कहां बना सकते हो? क्या आप एक, मान लीजिए कि एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सेक्शन ऑफिसर स्तर के एक अधिकारी हैं, उस पोस्ट पर ज्यादा मोटा गबन कर सकते हो, या आप एक सचिव स्तर के अधिकारी हैं जिसके अंतर्गत सारा का पूरा मंत्रालय आ जाता है, वहां पर ज्यादा मोटा पैसा बना सकते हो, वहां पर ज्यादा बड़ा गबन कर सकते हो? सीधी सी बात है, बड़े ऊपर जो पोस्ट होगा वो ज्यादा करेगा, तो ज्यादा गंभीर मामले कहां होते हैं? वो ऊपरी स्तर पर ही होते हैं और वो सरकार के साथ भी जुड़े होते हैं, और ऐसे मामलों में सरकार पहले बच जाती थी क्योंकि ऐसे मामलों में जांच की परमिशन वो देती ही नहीं थी सीबीआई को। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान कर दिया, तब सीबीआई और ज्यादा पावरफुल हो गई है, पहले के मुकाबले और ज्यादा शक्ति अब सीबीआई के पास आ गई। अब ऐसे मामलों की भी जांच देखोगे तो सीबीआई जो है वो खुद करती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इससे क्या है, इन्होंने कहा कि इससे बहुत सारे जो केस लटके पड़े हैं उनका जो है जानकारी हो जाएगी। ठीक है, उनकी जांच पड़ताल जो है वो हो जाएगी, अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कि खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। ठीक है, तो यानी कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने भी भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको खोजना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। ठीक है, और ये न्यायपूर्ण भी कहलाता है, सरकारी सेवक होने से उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती, क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं और उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना
चाहिए, ठीक है, अलग अलग प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, इसको लिख सकते हैं। यहां से मुख्य परीक्षा का एक सवाल बन जाएगा, मुख्य परीक्षा का सवाल यह आ जाएगा कि भारत में सुशासन को मजबूत करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का आलोचनात्मक उल्लेख कीजिए या आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें, तो उसमें इस तरीके की चीजें डालिए। मैक्सिमम लोग जो ना घिसी पिटी चीजें डालते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में सुशासन पढ़ेंगे और किताबों में वो घिसा पिटा सुशासन की जो चीजें हैं, पारदर्शिता, ई गवर्नेंस वगैरह वगैरह, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्रक्रियाएं सरल होनी चाहिए, वही लिख करके आ जाएंगे। लेकिन इन चीजों को भी तो डालो, कनेक्ट करना है, मेन चीज है इंटरलिंकिंग, आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। आप उस क्वेश्चन में डालो कि जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण सुशासन आया, और उसमें उदाहरण डालो, उदाहरण के तौर पर कि सीबीआई का मामला है ना, सीबीआई जो भारत के प्रशासन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी लाने का एक बहुत बड़ा यंत्र है, उसके अंदर एक समस्या थी, ये समस्या, ये वाली बता दो। इस समस्या को न्यायिक सक्रियता के आधार पर, न्याय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आधार पर समाप्त कर दिया गया। अब जांच पड़ताल, चाहे किसी भी तरीके का अधिकारी, उच्च स्तर का, निम्न स्तर का, सभी की एक समान बिना पूर्वानुमति के कर सकते हैं। इससे प्रक्रियाएं और सरल हुई, इससे बड़े बड़े घोटालों का उजागर होने की संभावना हुई, जो पेंडिंग लटके हुए केस थे वो आसान, उनका निपटारा आसान हो गया। इन तरीके की चीजों को वहां पर आपको डालना है तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा, यूपीएससी का कोई भी तरीके का एग्जाम आप करते रहो चाहे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये हो गया, ये तो बाकी सेम वही चीजें जो बार बार वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जजमेंट ही बताया जा रहा है, इसको आप पढ़ लेना, इसमें एक्सप्लेन मैंने कर दिया, इसमें अलग से कुछ है नहीं, ठीक है। भ्रष्टाचारियों के बारे में समानता जो है उसके लिए, इसको देख लीजिए। अब बात कर लेते सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, ठीक है, सीबीआई और राज्य पुलिस के बीच का जो एक छोटा सा वो है, तो उस पर जाने से पहले जरा एक बताइए, हाउस द जोश, जोश है कि नहीं, हाउस द जोश, एक बार जरा जोश बताओ, हाउस द जोश। आपके कोई भी सवाल है ना, जब क्लास समाप्त होगी तो क्लास समाप्त होने के बाद आप मेरे से पूछ लेना, अभी है, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है, उसके ऊपर अभी चलेगी, अभी क्लास चलेगी, अभी टाइम है क्लास में, अगली क्लास में और इस क्लास में भी टाइम है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें अभी देखेंगे। चलिए बिल्कुल यही हाई जोश रखिए, लाइक शेयर करते हुए आ जाइए, और लाइक शेयर के साथ साथ ये करिए, LY लाइव कोड जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है, ठीक, LY लाइव कोड का यूज जरूर कीजिएगा जब भी कोर्स ज्वाइन करें। एक सेकंड दीजिए जरा, चलिए, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान राज्य पुलिस बलों का पूरक है, जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि सीबीआई की जो एक शाखा है वो राज्य पुलिस है, उनका एक पूरक है एक तरीके से। आम तौर पर कई बार ये लगता है कि राज्य पुलिस और सीबीआई के बीच में विवाद ना हो जाए, क्योंकि सीबीआई का कार्य थोड़ा ऐसा ही है जांच का, और जांच का काम पुलिस भी करती है। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है, जांच जो पुलिस तरीके का काम है, पुलिसिया प्रकृति का काम है, कोई भी अपराध होता है, कोई भी घटना होती है, तो उसकी जांच पड़ताल कौन करते हैं, पुलिस ही करती है ना दोस्त। तो जब पुलिस करती है तो सीबीआई भी उसी तरीके से जांच पड़ताल करती है। और पुलिस कहाँ होती है, राज्यों के स्तर पर होती है, केंद्र की तो कोई पुलिस नहीं है, केंद्र में तो CAPF है, मिलिट्री है, CBI है, तो केंद्र की जांच पुलिस एक तरीके से CBI है। तो इन दोनों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन, जिसको हम बोलते हैं ना ओवरलैपिंग, आपस में टकराव ना हो, ओवरलैपिंग ना हो जाए, इसके लिए दो प्रमुख कारण, दो प्रमुख चीजों की जो है व्यवस्था की गई है। सबसे पहला कि जो SPE है वो उन्हीं मामलों को लेगा जो केंद्र सरकार तथा इसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित है, भले ही उसमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हो। ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के मामलों को ही सीबीआई जो है हाथ में लेगा, राज्य सरकार के कर्मचारी अगर उसमें सम्मिलित हैं
ठीक है, तो भी वो केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों के मामले को ही मुख्य रूप से देखेगा। राज्य पुलिस उन्हीं मामलों को लेगा जो कि राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों से संबंधित हो, भले ही उसमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हो। अब मान लीजिए कोई ऑफिस है, कोई काम कर रहे हैं, उस काम में जरूरी नहीं कि केवल, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राज्य की पुलिस की बात कर लेते हैं, ठीक है, पुलिस की बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि एक जिला है, उस जिले की पुलिस ने कुछ गलत काम किया, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप है उसकी पुलिस के ऊपर उस क्षेत्र पर। अब उसमें जो पुलिस वाले हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इस तरीके की रैंक, डीएसपी के रैंक, वो तो आपको कौन मिलेंगे, वो तो आपको राज्य पुलिस से मिलेंगे, राज्य से सेवा से मिलेंगे। लेकिन जो उनका मेन होगा, जो एक आईपीएस ऑफिसर, जो एसपी होगा, वो आईपीएस ऑफिसर मिलेगा, वो केंद्र के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में मान लीजिए राज्य पुलिस के भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, तो राज्य एजेंसियां करेंगी, ठीक है। ऐसे में हो सकता है कि वो आईपीएस ऑफिसर भी उसमें सम्मिलित हो, तो वो एक अपवाद हो गया, इक्का दुक्का हो गया, कंप्लीट पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ नहीं करेगा, है ना। सेम वही केंद्र के स्तर पर है कि सीबीआई जो है वो अपने केंद्रीय कार्मिक जो है उनके मामलों को देखेगा, राज्य जो है, राज्य पुलिस जो है वो अपने राज्य से संबंधित अधिकारियों और उनके कार्मिकों के मामलों को देखेगा। एसपीई लोक उद्यमों अथवा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को भी हाथ में लेगा जो केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित एवं वित्त पोषित है। अब जो लोक उद्यम और कुछ कानूनी निकाय, जो कुछ आयोग, कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं, वो इस तरीके की संस्थाएं राज्य भी बनाते हैं और केंद्र भी बनाते हैं। तो केंद्र से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई करेगा और राज्य से संबंधित मामलों की जांच राज्य की पुलिस या राज्य की जो एजेंसी है वो करेंगी। अब अकादमी देख लो, सीबीआई की अकादमी कहाँ है, गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, यहाँ पर है, पहले नई दिल्ली में होती थी। तो पीटी के लिए अगर वन लाइनर एग्जाम देते हैं तो एमसीक्यू में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है आपसे कि सीबीआई की अकादमी कहाँ है, है ना, भारत में लबासना जो है वो कहाँ है, आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, आईएफएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, इस तरीके के सवाल भी कई बार आ जाते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि सीबीआई अकादमी कहाँ है, सीबीआई अकादमी गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, 1966 से कार्य प्रारंभ किया। पहले ये जो सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र है वो नई दिल्ली में था, ठीक है, और नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है संचालित होते थे, लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा समस्याओं के कारण इसको थोड़ा सा गाजियाबाद में शिफ्ट किया गया, वो जगह थोड़ी खुली है तो वहाँ पर कार्य जो है आसानी से अच्छे से किए जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, दृष्टि आपके काम की नहीं है कि क्या दृष्टि है क्या दृष्टि नहीं है, बस इतना ही जानना है। और अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें बेसिकली सीबीआई अकादमी में अगर आप देखोगे तो और क्या क्या काम किए जाते हैं, इसको भी समझिए। सीबीआई अकादमी जो है वो उसमें प्रशिक्षण गतिविधियां ये कराई जाती है, ट्रेनिंग, यानी कि सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है एक तरीके से उस अकादमी में होता है, और यहाँ पर उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है तथा प्रशिक्षुओं के नामांकन को नियमित किया जाता है, साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का भी निर्माण किया जाता है। गाजियाबाद की सीबीआई अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं। ये भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़े स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां पर यह भी पूछ लिया जाता है कि सीबीआई की क्षेत्रीय स्तर की अकादमियां कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो आपको याद होना चाहिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन 3 जगह पर क्षेत्रीय अकादमियां भी स्थापित हैं। इसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 तरीके के होते हैं, सबसे पहला जिसको बोलते हैं लघु अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम, यानी कि इन सर्विस पाठ्यक्रम, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। सीबीआई अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए ये होता है। इन सर्विस जो नौकरी करते हैं, जो कि बेसिकली प्रतिनियुक्ति पर यहां पर आते हैं ना, उनके लिए किया जाता है। दूसरा है लघु अवधि का सेवाकालीन पाठ्यक्रम, और ये होता है सीबीआई अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए एक लंबा पाठ्यक्रम चलता है, ठीक है। ये मूल, अच्छा ये तो वही मूल पाठ्यक्रम आएगा, ये नहीं है, इसकी जगह ये एक ही चीज रिपीट होगी, मूल पाठ्यक्रम एक आता है, मूल पाठ्यक्रम होता है। लघु अवधि का तो सेवाकालीन पाठ्यक्रम हो गया, मूल पाठ्यक्रम जो है वो डीएसपी और जो उप निरीक्षक है, ठीक है, और सीबीआई के जो सिपाही हैं उनके लिए होता है ना, डीएसपी, ठीक है, और जो सिपाही हैं सीबीआई के,
उनके लिए काम होता है सीधा सीधा मूल पाठ्यक्रम, क्योंकि एक्शन लेने का काम जो है वो यही लोग करते हैं। तो ये इस तरीके से प्रशिक्षण वहां पर आपको देखने को मिलता है। यही था आपका आज का सीबीआई का चैप्टर, और इसमें आपके कई सारे सवाल बन सकते हैं। आपके कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा में सवाल कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सुशासन लाने में सीबीआई की महत्ता पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए, या एक और सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा केंद्र राज्य विवादों में सीबीआई किस प्रकार से एक मुख्य अभिकर्ता का काम करती है, इस विवाद को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। केंद्र राज्य विवाद तो हमेशा आपने सारे पढ़े हैं, पुराने चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़े हैं तो देख लेना, यूट्यूब पर मेरी वीडियो मिल जाएंगी सारी, मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा ललित यादव अनअकैडमी, तो 31 घंटे 35 घंटे 30 घंटे की कई सारी क्लासेस मिलेंगी, उन सबको अच्छे से देख लो, सारी पॉलिटी कवर हो जाएगी। तो केंद्र राज्य विवाद में सीबीआई होती है ना, सीबीआई का डर दिखा करके राज्यों से उनकी मजबूरी से का फायदा उठा करके उनको अपने पक्ष में काम करवाने पर मजबूर किया जाता है, ठीक है। और सीबीआई का एक और मामला डाल दीजिएगा कि राज्यों से संबंधित मामले में जांच के लिए उसको राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है, तो इस ऐसे में कई महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार उसमें तुरंत एक्शन नहीं ले पाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे उदाहरणों को डालते हुए आप बता देना, ठीक है। समन्वय करने का बाद में उत्तर देते समय उसमें समझाना कि कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में होना जरूरी है, और दोनों के बीच में एक आपसी विश्वास होना चाहिए कि सीबीआई जो है उस सीबीआई को हम केंद्र सरकार के अधीन होने के बजाय एक कानून के माध्यम से, एक स्टैट्यूटरी एक्ट के माध्यम से एक संवैधिक संस्था बना दी जाए जो कि निष्पक्ष आधार पर कार्य करे, स्वतंत्र होकर के कार्य करे ऐसे मामलों की जांच के लिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन है, तो केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में इसका दुरुपयोग कर सकता है, ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन अगर ये निष्पक्ष संस्था होगी, जैसे निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का अपना रोल है, निष्पक्ष है, इसीलिए उसके बेदाग छवि है, सीबीआई के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहते, छवि दागदार होती रहती है, रीजन क्या, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा इसके ऊपर कंट्रोल करती है। तो अगर इसको भी एक ऐसी स्वतंत्र संस्था बना दी जाए जो कि निर्वाचन आयोग की तरह ही काम करे, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी और केंद्र राज्य विवाद जो है वो कम होगा, केंद्र सरकार जो है उसके जो अतिरिक्त हस्तक्षेप था राज्यों के स्तर पर वो नहीं होगा। ये विचार दे सकते हो, ठीक है, आप अगर देना चाहो तो वो आपके हिसाब से आप सोचिएगा इन सबको देख करके। तो ये सारे, एक और सवाल आपका बन सकता है, और वो सवाल आपका इस तरीके से बनेगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका के ऊपर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा, तो उसमें आपको सीबीआई के बारे में लिखना पड़ेगा, आईबी भी लिखोगे, रो भी लिखोगे, एनआईए भी लिखोगे, और ये भी लिखोगे, इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछ रहा हूं, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे जितने भी प्यारे मित्र हैं जो सजग हैं, जागरूक हैं, जिंदा हैं, जीवित हैं, उसका जवाब जरूर देंगे। सवाल सुनिए ध्यान से, सवाल है आपका पहला कि सीबीआई के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, सीबीआई के निदेशक को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। दूसरा कथन, सीबीआई राज्यों से संबंधित मामलों में स्वयं के आधार पर जांच कर सकता है, यह जांच कर सकती है। तीसरा कथन, सीबीआई मुख्यतः आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है या करती है। चौथा कथन, सीबीआई की नियुक्ति की समिति में, सीबीआई की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में राज्यसभा में विपक्ष का नेता सम्मिलित होता है। और आपको कहेंगे कि सही कथन चुनिए, और आपके विकल्प रहेंगे 1, 2, 3, 4 में से अलग अलग दे देंगे, है ना, ए बी सी डी में आपको बोल देंगे कि 1, 2 सही, है ना, 2, 3 सही, 3, 4 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, केवल 4 सही। तो इसमें करेक्ट आंसर दीजिए जरा, एक आंसर सही है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है इसमें, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, आंसर दीजिए जल्दी से, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा करेक्ट आंसर था, तीसरा आंसर जो था ना, तीसरी स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी,
कि वो मुख्यतः आर्थिक अपराधों से जांच से संबंधित है। पहली स्टेटमेंट गलत थी भाई, उसको 2 साल की कार्यकाल की सुरक्षा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ने थोड़ी दी है, सीवीसी एक्ट ने दी है, केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 उसके आधार पर 2 साल की सुरक्षा मिली है। इसका मतलब क्लास में जिंदा नहीं थे, सुन नहीं रहे थे, ठीक है। राज्यों के मामले अपनी मर्जी से अपने हाथ में नहीं ले सकती, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत। चौथी स्टेटमेंट इसलिए गलत क्योंकि राज्यसभा में लोक विपक्षी दल का जो अध्यक्ष है वो इसकी समिति, इसकी नियुक्ति की समिति में नहीं होता, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है वो नियुक्ति की समिति में होता है। तो केवल तीसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका मतलब आप लोग क्लास ढंग से नहीं सुनते, है ना, ठीक है, क्लास ढंग से नहीं सुनते, समझते नहीं है, बातचीत लगे रहते हो आपस में ही, सवाल पर ध्यान नहीं देते। अब कुछ पूछ रहे हैं सर ये भी तो आएगा ना, अरे तो भाई वो आएगा लेकिन वो दिया ही नहीं है उसमें, तो कैसे आएगा? सवाल के ऑप्शन के आधार पर आंसर दोगे ना आप, ऑप्शन में दुराचार दिया ही नहीं, ऑप्शन में ही दिया है कि भैया मुख्यतः आर्थिक अपराधों से जुड़ा है, तो आर्थिक अपराध से है ही। अगर वहां पर लिखा होता कि दुराचार के मामलों से जुड़ा है तो उसको भी करेक्ट करते। ऑप्शन पर ध्यान दो, सवाल किस पर आपका आंसर टिकेगा, किस पर जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प क्या है, उन विकल्पों के आधार पर दो, बाकी क्या है क्या नहीं है आपके दिमाग में क्या है उसको नहीं देना है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगली क्लास जो है आपके 5 बजे होगी और उसमें लोकपाल को पढ़ेंगे हम, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है उसके ऊपर करेंगे, आ जाना सभी लोग, हो सकता है थोड़ी सी डिले हो 10-15-20 मिनट लेकिन आ जाना सभी। टेलीग्राम पर मैं अपना स्टेटस डाल दूंगा, जैसे ही टेलीग्राम पर पोस्ट करूं सब आ जाना, टेलीग्राम पर डलते ही लिंक 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास शुरू हो जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो जल्दी से, उसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, ललित यादव की पाठशाला, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, पीडीएफ सारी वहीं है, ठीक है, सारी की सारी पीडीएफ जो है वो आपको वहीं मिलेंगी। और हमेशा मेरी क्लास का नोटिफिकेशन एक बार टेलीग्राम पर जरूर देख लिया कीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके 5 मिनट के अंदर क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई बार थोड़ी सी डिले हो जाती है क्लासेस, नोटिफिकेशन वहां आया उसका मतलब क्लास 100% होगी, 5 मिनट के अंदर हो जाएगी। कोर्स लेना है अनअकैडमी का तो ये आपकी सफलता का कोड है, इसको याद रखिएगा, LY लाइव इसको भूलना नहीं है, आपकी सफलता का कोड है क्या, LY लाइव, ठीक है, क्या है, LYLIVE। कभी भी अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करें तो इस रेफरल कोड का जरूर यूज कीजिएगा दोस्त, आपको हमारी प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, 10% डिस्काउंट मिलेगा, और पर्सनल गाइडेंस बहुत जरूरी है क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए उसकी परिस्थितियों के अनुसार स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है, हर स्टूडेंट की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक मानसिक योग्यताएं परिस्थितियां अलग होती हैं, ऐसे में एक ही स्ट्रेटेजी सभी के लिए काम नहीं करेगी कभी भी जिंदगी में भी, तो हर स्टूडेंट को एक अलग तरीके से उसकी समस्याओं को समझते हुए फिर उसकी पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करना है, उसके साथ एक मोटिवेशन के तौर पर लगातार जुड़े रहना है ताकि जब भी उनको जरूरत पड़े तो किसी को अपनी बात कह सके, कभी डिमोटिवेटेड ना हो, टीचर के साथ जुड़ सके, और ये संभव तभी है जब डायरेक्ट टीचर से बात हो। मैं अपने सभी स्टूडेंट से डायरेक्ट खुद ही बात करता हूं, तो इसी दौरान क्लास के दौरान कितनी सारी मिस कॉल आ गई है, ये मेरे पास ही है फोन सारा, है ना, तो वो मेरे पास ही रहता है, मैं ही देखता हूं इसको, ये अलग बात है क्योंकि मैं क्लासेस में होता हूं तो कई बार ऑन द स्पॉट नहीं रिसीव कर पाता, लेकिन वापस रिटर्न में बैक कॉल बैक जरूर रहती है, हमेशा करता हूं, सभी को करता हूं, कई बार हो सकता है कि एक दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाता है लेकिन आएगी जरूर, और मेरी ही आएगी और मैं ही डायरेक्ट बात करूंगा, तो इससे ही आपको एक अंदाजा हो लग जाएगा कि आपको यहां से प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिल सकती है। मेरा यही मानना है कि आप टीचर खुद गाइड करेगा तो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा, तो टीचर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं लेता ही लेता हूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब तो हमेशा के लिए जुड़ते हैं, नहीं लेते तो भी आप मेरे से बात करते हैं, गाइडेंस आपको तब भी मेरे से मिलती है, तब भी आपको हम गाइड तो करते ही हैं, और साथ ही मैनेजर भी है मेरे पास, है ना, लेकिन वो आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करती है, टेलीग्राम पर रिप्लाई करती है, आपको पीडीएफ भेजना हो, आपको सिलेबस भेजना हो, आपको कोई और चीज चाहिए उनसे मांग सकते हो, वो दे देते हैं, लेकिन अगर आपको बात करनी है डिस्कशन करना है तो डायरेक्ट मेरे से बात करते हैं, सीधी बात मेरे से होती है, तो यही मेरा मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के बजाय टीचर खुद गाइड करे तो आप पास होगे, वही गाइडेंस को ध्यान में रखिए, तो हमेशा ट्राई करिए कि टीचर के साथ आप एक्सेसिबल हैं कि नहीं, टीचर के साथ आप जुड़े हुए कि नहीं,
कि टीचर आपको गाइड कर पा रहे कि नहीं लगातार रेगुलर, तो फिर उसके बाद आप जब भी ज्वाइन करें तो इस कोड को यूज कीजिएगा। एलवाई लाइफ अनअकैडमी के सभी कोर्स पर ये कोड लागू होता है, कोई भी कोर्स हो अनअकैडमी का हर कोर्स पर लागू होगा। सभी टीचर्स की क्लास मिलेगी, सभी टीचर्स के नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल किसी भी कोर्स में जाओ हर तरीके की लैंग्वेज में क्लासेस मिलेंगी। कोड याद रखिएगा एलवाई लाइव, इसको अप्लाई करना है। आपका रामबाण है ये, आपकी सफलता का कोड है। जरा लिख करके बताइए रेफरल कोड क्या है एलवाई लाइव। जरा हमारे प्यारे मित्र जितने भी दोस्त हैं वो एक बार लिख करके बताइए कि क्या है हमारा रेफरल कोड। जरा कमेंट बॉक्स में हो जाए एलवाई लाइव एक बार दिखा दीजिए। और वहां पर मेरे को फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर, इन पर फॉलो करो। वहां पर मैं ललित यादव की पाठशाला के नाम से हूं, आप बस सर्च करना ललित यादव की पाठशाला, मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। और बाकी मेरी डिटेल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है ललित यादव की पाठशाला, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ललित यादव की पाठशाला, वहां पर आपको मेरी डिटेल मिल जाएंगी सारी, आप बात कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए उसके लिए, उसका नाम है ललित यादव की पाठशाला, वहां पर हमारी सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, डायरेक्ट बात कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है। इंस्टा फेसबुक यूट्यूब उन सब पर हैं, हाँ आप लोग हो मेरे को पता है, व्लादिमीर पुतिन दीपू मेरे से जुड़े हुए हैं, पूजा जुड़ी हुई है और भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं इंस्टा के माध्यम से फॉलो करते हैं। मैं देखता हूँ जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको, मेरे को पता है कि कौन कौन फॉलो करते हैं, वहाँ पर पोस्ट लाइक करते हैं, उन आपके कमेंट आते हैं, आपको रिप्लाई भी किया जाता है बाकायदा, कई बार मैं भी करता हूँ, कई बार टीना जी भी रिप्लाई कर देती हैं, है ना, तो याद है मेरे को वो। चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं, 5 या 5:15 या 5:30 के बीच में क्लास हो जाएगी, वो लोकायुक्त एवं लोकपाल एवं लोकायुक्त की क्लास है, बहुत ईमानदारी से बहुत डिटेल क्लास होगी, बहुत मजेदार क्लास होगी, उस क्लास में आइएगा। रात में 9 बजे भारत पाकिस्तान का सेकंड पार्ट आ रहा है, कल जो भारत पाकिस्तान की क्लास बीच में जहां पर हमने छोड़ी थी वहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, वो भी मेगा मैराथन होगी, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। तो आज रात के 1-2 बजे तक आप मेरे साथ बने रहोगे, मजे आएंगे आपको बहुत सारी इन सभी क्लासेस में। चलिए तो आप सबको बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, एलवाई लाइव कोड का याद रखिए, इसको अप्लाई करते चले जाइए, इसको अप्लाई करेंगे इसी से हम आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपको हमेशा एग्जाम पास होने तक प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस देते रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहोगे दुनिया की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हार मत मानिए, हिम्मत रखिए, मेहनत करते हुए चले जाइए। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, लेट्स क्रैक इट।